नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आने के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जो हम दिखावे के लिए करते हैं और प्रत्यक्ष में करना चाहते नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बेटी की शादी पे तो लाखों खर्चने को राजी हैं, लेकिन उसकी एजुकेशन पे नहीं करेंगे। हम ये तो कहते हैं किसी अनजान से बातचीत कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अनजान से विवाह कराने को तैयार हो जाते हैं। हम दूसरे को तो नसीहतें बहुत देते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमें नसीहत दे तो एक ढेला पसंद नहीं। हम ये तो चाहते हैं कि पति और पत्नी ऐसा करें वैसा करें, दूसरे को शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद ही वो सब कुछ करना चाहते हैं। हम ये तो कह देते हैं कि जो कपड़े पहने लड़कियों ने, उसमें जीन्स और टॉप के बीच में 2 इंच भी जगह है, ये भी एक गुनाह है, लेकिन साड़ी में जो 6 इंच का फासला होता है ब्लाउज से, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम अजीब अजीब सी दोगली बातें रखते हैं। ये लेकिन क्या है? ये लेकिन बड़ा विचित्र है। हमारे देश में तो खुले में लोग शुशु करते रहते हैं, लेकिन खुले में किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया लड़के लड़की ने तो दंगल हो जाती है। हम गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़े जा रहे हैं, बहुत ज्ञान आ गया, कुरान पढ़ रहे हैं, बड़ा ज्ञान आ गया, लड़ाइयां फिर भी कर रहे हैं। हम हर हालत में चाहते हैं कि रोज भगवान की घंटी बजाए, टन 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 टन, 50 साल से बजा रहे हैं। हम गीता की ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करके राजी नहीं है। हमारे जीवन में जो लेकिन शब्द है, ये लेकिन क्या है? लेकिन के अन्य शब्द है पर, किंतु, परंतु, इंग्लिश में है बट, इफ। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जी हमने आपका ये लेक्चर सुन लिया, लेकिन हमें आपकी ये बात समझ तो आ गई, पर मैं देखो आपकी बात समझ तो गई, लेकिन मैं माँ हूं। जितने भी लोग पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद दावा करते हैं कि समझ लिया है, और लेकिन ये पर लगा लेते हैं, वो अपने आप को झुठला रहे हैं। उन्होंने समझा ही नहीं है, लेकिन दिमाग के एक पोर्शन में वो ये गांठ बांध कर बैठ गए कि हमें समझ तो आ ही गया है, ये तो कंफर्म कर लिया है कि हमें समझ तो आ ही चुका है, और अमल नहीं करना। हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को तो मोटिवेट कर बैठते हैं, लेकिन स्वयं खुद समझ के राजी नहीं। हम अपने बच्चे को तो कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो कुछ बनो, और खुद शायद हम दुकानदार हो जो बेटे की बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाई करवा पा रहे हो, तो बेटे को ये नहीं सिखाते बेटा समझदारी से चलो, नोट तो कहीं भी छप सकते हो। एजुकेशन के लिए जान मार रखी है, बच्चों की ऐसी तैसी फेर रखी है, खेलना कूदना बंद करा दिया है, दिन रात का शेड्यूल बना दिया है, लेकिन एंजॉयमेंट खराब कर दिया। हम अपने जीवन में सारा समय जीवन भर धन कमा करके जीवन काट करके आखिर में क्या चाहते हैं? बस यार स्प्राइट पीनी है। बड़े यार तसल्ली से ना एक दिन ऐसे बैठना भाई, बस मजा आ जाए यार, ना कोई टेंशन हो ना कुछ हो। ऐसे कई लोग हैं जो कुछ समय बीतने के बाद कहते हैं देहरादून में यार एक हट खरीद लूं, यार ऐसा कुछ एरिया बना लूं, ना चिक-चिक हो ना चे-चे हो, बस यार आराम से बैठूं। लेकिन वो दिन करने से पहले अपनी में शहर में खूब ऐसी तैसी करा लूं, मर लूं पिट लूं सड़ लूं के एक दिन वो जीवन जीऊंगा। पूरा पूरा जन्म कट जाता है और हम रियलाइज नहीं करते कि हम इस संसार में करने आए क्या। बड़े प्रेम से बड़े आनंद से चलना है जीवन में। ये लेकिन शब्द क्या है? हमारे शरीर में 7 स्टेशन है जहां से हम काम करते हैं। इन 7 स्टेशन में बहुत ही प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रमुख 2 स्टेशन हैं। एक स्टेशन है हमारे कर्मों का, ये है मूलाधार। मूलाधार का मतलब स्पाइन के लास्ट पर पॉइंट पर होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट पॉइंट पर होता है हमारे, और यहीं से हमारी हड्डी जो है वो पेल्विक बोन्स में धंसती है और हमारा शरीर पैरों के साथ जुड़ता है, इसी को बॉटम बोलते हैं। आलती पालती मारकर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है उसके पूरे पैरों समेत एरिया को बॉटम कहा जाता है। इसलिए सारी की सारी जो अपनी तपस्याएं करते थे वो आलती पालती मारकर की जाती थी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये मूलाधार है जहां हमारे जन्म के सारे कर्म पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम धरती पर 1000 बार आ सकते हैं। इस जन्म में किस वाले को हम ऑन करते हैं वो यहां से डिसाइड होता है, और यहां पर मैं हूं जहां से मैं ये कर्मों को जी सकता हूं। ये हमारा स्वादिष्ट समय है। जब भी हम अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य करते हुए हर समय ये सोचते हैं मैं कोशिश करनी है यार, अपना यार ये पूरी की पूरी कोशिश करनी है, अब तो ट्राई करना है जीवन में, हमारा ऑपरेटिंग सिचुएशन, जो ऑपरेटिंग स्टेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से हम चल रहे हैं वो मूलाधार पे चला जाता है, और मूलाधार पे जाने के बाद सारे के सारे कर्म गड्ढे में, जमीन में दब जाते हैं।
तो जैसे ही हम ये कोशिश शब्द को ऑन करते हैं अपने जीवन में, अपनी मानसिकता में, विचार में, हमारा बॉडी का जो सिस्टम है मूलाधार पर चला जाता है और सारे कर्म दब जाते हैं। जब तक स्वाधिष्ठाना नहीं मिलेगा उस पर क्रिया नहीं हो सकती, यानी वो काम होएगा ही नहीं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जिंदगी जीने की, ढंग से ना जी पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं मरने की, मर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें जल नहीं मिला, जीवन नहीं मिला, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, वो कार्य होगा ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। ये दूसरा शब्द जो आता है इसके ऊपर स्वाधिष्ठाना का, वो है लेकिन। जब जब हम अपने जीवन में लगाते हैं पर, किंतु, परंतु, लेकिन, इफ, बट, उसी समय हम थोड़ा सा तो उठते हैं लेकिन स्वाधिष्ठाना पे चले जाते हैं, हमारा ईगो चैनल ऑन हो जाता है। और ये ईगो चैनल का मुद्दा क्या होता है आप देख के चलेंगे, ये जल को रिप्रेजेंट करता है, पानी जो है उसको फ्री फ्लो चाहिए, पानी फ्रीली चलता रहता है तो आगे बढ़ता रहता है। जल पानी को अगर हम मिट्टी में डाल दें और एक बीज रख दे तो उसके द्वारा जीवन आ जाता है। पानी में ही शक्ति है, जल ही जीवन है, जल को ही ढूंढना जा रहा है हर प्लेनेट पे, नासा ढूंढ रही है कहां पानी है वहां जीवन आ सकता है। अभी मार्स पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां 6-6 फुट नीचे ही आइस के गोले पड़े हुए हैं, यानी पानी है, उसको पिघाल कर वो पानी बनाएंगे, धीरे धीरे हवा में ऑक्सीजन आएगी, कुछ 1000 साल में या 100 साल में टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीवन ऑन हो जाएगा मंगल ग्रह पर। फिर जब धरती नष्ट होगी तो मंगल पर शिफ्ट हो लेंगे हम, ऐसे बातें हैं कहने की, हम लोगों को नहीं टेंशन कह देना। तो जब हम इस पर लेकिन शब्द लगाते हैं, पर लगाते हैं कि बेटा तो ठीक है पर, बेटी हमारी ठीक तो है लेकिन सुनती नहीं है, ऐसा नॉर्मल है, दूसरा मनुष्य आपकी सुने कोई जरूरी थोड़ी, जिद थोड़ी है, दूसरा ही तो है वो। एक जैसी दो चीज धरती पर प्राकृतिक नहीं होती। मैन मेड मशीन, मैन मेड पंखे, मैन मेड मोबाइल फोन सेम हो सकते हैं, सोफे सेम हो सकते हैं, मनुष्य, कोई पौधा, किसी किस्म की प्राकृतिक चीज सेम हो ही नहीं सकती, पत्थर तक नहीं, क्योंकि उन सब में कॉन्शियसनेस डिफरेंट फॉर्म में चलती है। जब हम लेकिन लगाते हैं तो एक बैरियर लगा लेते हैं, ये हमारा लेकिन का बैरियर है कि भाई इसके बाहर नहीं होना चाहिए कुछ, भाई इसके अंदर जो है वो तो हमें है मंजूर, अगर इसके बाहर कहीं कुछ चला जाए तो हमें मंजूर नहीं है। ये उस प्रकार की बात है शाब्दिक तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, कि भाई किसी ने कह दिया कि आपकी पत्नी रावण के यहां रही तो ठीक है जी निकाल दो, क्यों नहीं, मैं इसके आगे पीछे नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये शब्दों की बात हुई कि इसके आगे पीछे तो सवाल ही नहीं उठता, अगर ऐसा हो गया तो फिर खत्म करो, जैसे ही वो खत्म करो जीवन कुछ का कुछ हो गया, कहीं का कहीं चला गया। राम है, भगवान है, भगवान कहे जाते हैं, सारी भगवान है वैसे तो मान समझ लो तो, लेकिन ये लेकिन शब्द जिसने लगा डाला उसने बैरियर बनाया और अपने जीवन में खराबी कर डाली। कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, भाई मैं ना बस 1,20,000 से कम की सैलरी से नीचे तो काम करूंगा नहीं, उसने लेकिन लगा दिया। जॉब तो ठीक है पर 1,19,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे 1 से 1.20 से कम नहीं चाहिए था। आपके जीवन में भगवान ने 1,20,000 दिया और 20,000 रुपये बीमारी पे देते हैं, तो आपके हिस्से के 1,00,000 रुपए एक्चुअली, तो आप 1,00,000 की जॉब करो ना, 20,000 की बीमारी बंद हो जाएगी। ये समझ के हम राजी नहीं है। आप हर साल के एंड में शेयर मार्केट में 5,00,000 रुपए लुटा देते हैं, तो वो 5,00,000 रुपए साल भर के एक्स्ट्रा कमाए थे। ऐसा कौन सा धन और क्यों आता है कि वो आपका नहीं है, यानी आपको टच एंड गो करने आता है, उसके लिए रो मत, ऐसा धन ही मत कमाओ। ज्यादा धन आते ही इमीडिएटली क्या होता है, ऑन डॉक्टर ऑन हो जाते हैं, वकील ऑन हो जाते हैं, एक इतना प्यारा दोस्त ऑन हो जाता है जो कहता है तू मेरा भाई है, मैं टकसाल लगा रहा हूं, ला नोट दे, और फिर वो नोट लेके कहता है भाई मैं दे नहीं सकता यार, आपके हिस्से का जो भोजन नहीं है वो आप नहीं खा सकते, जो आपके हिस्से का धन नहीं है वो आपके पास आया तो है आपको ईगो बूस्ट करने। अब आपने बैरियर लगा दिया, मेरा मेरा, मैं नहीं छोड़ू, मैं ना छोड़ू, वो छूटता ही है, वो जाएगा ही, सांस अंदर गई है बाहर जाएगी ही, आप बाहर सांस छोड़ोगे नहीं अंदर कैसे जाएगी। बहुत से लोगों को मैं बताता हूं कि आपके पास यदि बैंक बैलेंस ऑब्जर्व करें 10 साल से कैसा चल रहा है, बोली जी 1,00,000-2,00,000 ही रहते हैं बैंक में, हम तो हमेशा 3,00,000-4,00,000 की कोशिश करते हैं, जोर मारते हैं, फिर कोई बीमारी आ जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई खर्चा आ जाता है, पता नहीं जी बचते ही नहीं है। तो उनको समझ लेना चाहिए उनका बैरियर 1,00,000 रुपए पे है, तो उल्टा वो बैंक में 1,00,000 भी ना जमा होने दें, भगवान को स्यापा दे दें कि अबे 1,00,000 तो इसे देना ही पड़ेगा, आप इतना ज्यादा एक्सपेंस कर डालो कि भगवान 1,00,000 आपको देने को मजबूर हो जाए। ये स्वाधिष्ठाना से कर किया हुआ भी 1,00,000 करेगा भगवान, 1,00,000% करेगा भगवान, तो हर जगह काम कर रहा है। इन्होंने पूछा है कि भगवान स्वाधिष्ठाना से किए कार्य को भी करेगा, वो कैसे करेगा। ये दो पोर्टल्स है, दो स्थान है जहां से मनुष्य की डुअलिटी बहुत ज्यादा चलती है, और यहां तो बहुत ही लफड़ा है, यहां तो अकेला है, पुरुष भी अकेला है, स्त्री भी अकेली, तो उनको बड़ी आग लगी होती है। आज वो कहते हैं ये मर जाए, कल वो कहते हैं हाय जी जाए। तो ये भगवान जो यहां बैठा है सहस्रारा पर, ये नीचे की सुनता नहीं, कहते पागल है ये,
सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, इसलिए इन कमांड्स का काम नहीं होता। इसलिए ये दो स्थान ही हैं जो हमें सर्वाइव भी कराते हैं। ये हो गया 12%, ये हो गया 72%, ये 84% ऑटो पायलट है। आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप ही सब जितना लिखा हो तो होगा ही। अगर आपको अमीर बनना लिखा है, आपने टका नहीं किया, आप बनोगे। आपका नहीं लिखा है, आप कर करके मर जाओगे, आप नहीं बनोगे। ये ऑटो पायलट है, सांस चलेगा ही, अपने आप ही मरोगे भी, भोजन पचेगा ही, अपने आप ही जाकर के मलमूत्र भी बनेगा। ये ऑटो पायलट है, इसमें आप टका नहीं कर सकते। आप यहां से सोचेंगे गड़बड़ होगी। जब जब आप अपनी मानसिकता से अपने आप को लेकिन किंतु परंतु बट इफ में डालोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्वाधिष्ठाना पे चला जाएगा और आपका काम नहीं होगा, आपकी लाइफ में अटकाव आएगा। इसलिए आपको जो 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 कंडीशंस है, ये नहीं होना चाहिए, वो सब आपके बैरियर्स हैं। कृष्ण ने क्या किया? कोई बैरियर ही नहीं है, कोई गंदी अच्छी बात ही नहीं है, तभी तो वो कृष्ण कहलाया। उसने कहा ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। बोले यार लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बोले ये भी होने दो, लेकिन यार वो तो गंदी बात है, ये भी छोड़ दो, लेकिन वो तो मेरे पिता में, इनको भी भूल जाओ। उसने खुद शाप ले लिया। गांधारी ने कहा मैं शाप देती हूं। बोले ठीक है माता, मंजूर है, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। आपने जीवन में कितना ही बार बातें सुनी होंगी, ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, एक सुप्रीम पावर है, हम उसको एक मानते हैं और उसके द्वारा दिए जीवन की एक भी नहीं मानते। जो ईश्वर हमें जीवन दे रहा है, कभी सुख कभी दुख, कभी प्लस कभी माइनस, वो हमें ढेला एक्सेप्ट होकर राजी नहीं है। लेकिन ईश्वर एक है, ये हम इसमें कसम खाए बैठे हैं, इसमें हम खून के आंसू रो रो ला लेंगे, लड़ लेंगे। नहीं, भगवान एक है, रोज घंटी बजाएंगे, टन 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 टन, 50 साल हो गए। अरे कब अपग्रेड करोगे सॉफ्टवेयर? 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल बाद तो छोड़ दो घंटी बजाना यार, अब तो समझो इससे ऊपर भी कुछ है। वो परमपिता, वो परमेश्वर, वो भगवान अंदर कहीं बैठा है। क्या आपने 5 साल घंटी बजा के सीखा ईश्वर का है? फिर क्या फायदा? आप 20 साल, 30 साल, 50 साल एक घंटी बजा रहे हैं, आपने ईश्वर को जाना ही नहीं। ये उस तरह से हो गया, अब यार बड़ा स्मार्टफोन रखा है भाई, इसमें सेल्फी ली जाती है और जेब में रखा हुआ है, कभी उसके फंक्शन ही नहीं यूज किए, सिर्फ सेल्फी लिए, पूरे जन्म उस मोबाइल फोन को लेकर के एक मंदिर में बजने वाली घंटी और धूप की तरह हम सोच सोच के खुश हैं। हमारे पास मोबाइल है, हम तो रोज सुबह घंटी बजाते हैं, रोज ही धूप बत्ती करते हैं, हम तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान को क्या लेना देना, आप अपग्रेड कब होंगे? कब आप उस ईश्वर को पत्थर की मूर्ति से निकाल अपने स्वयं अंदर जीना सिखा सकेंगे, जान सकेंगे? यही तो कबीर ने किया, यही तो रसखान ने किया, यही तो रहीम ने किया, और मीरा ने क्या किया? आपने अपने उस ईश्वर को जानना है जो आपके जीवन की श्वास चला रहा है और जो एक दिन सांस खींच लेगा, जिसके कारण से जीवन में वो घटनाएं हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, पर हो रही है। क्यों हो रही है? मंदिर की घंटी में ईश्वर नहीं है? चलो 6 महीना, साल, 5 साल, 10 साल जान लिया, इससे ऊपर कभी ना उठोगे या आगे कभी ना जानोगे जीवन में और कहां है, कैसे है और क्यों है। बस आदत डाल ली, एक वो आदत होती है ना, पैसे बचा लो भाई, क्यों बचाओ, वो बच्चों की पढ़ाई करानी है। अच्छा, बच्चा तो मरी हुई चीज है, रोबोट अपना नसीब लिखा के लाया नहीं है, पैसे बचा लिए जी, फिर बच्चे की पढ़ाई हो गई, कुछ की उस बचे हुए पैसे से हो गए, कुछ को बचे हुए पैसे बचे रह गए और फिर भी अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद जी अच्छा ये पैसे तो बच गए, अब क्या करें? अरे बच्चे की शादी पे काम आएंगे, फिर बच्चे की शादी के लिए रख लिए, फिर बच्चे की शादी में एक रोबोट से होनी है, किसी लड़की या लड़का जिससे होनी है, उसका नसीब तो है नहीं, वो तो फूटे नसीब के, नसीब तो हमारा ही अच्छा है, हमने वो हम ही रख लिए। अब जी वो पैसे जो बच बचा गए, पता लगा किसी के तो शादी में काम आए और किसी के नहीं आए, अब शादी भी हो गई, अब वो पढ़ाई के बचे पैसे शादी के भी बच गए, अब आगे किसके लिए बचेंगे? अरे हमारे बच्चों के लिए बचा लो। हो क्या रहा है? आदत, ये आदत है, इसका कोई लेना देना नहीं है पैसे बचाने, हमारी संतुष्टि तसल्ली, ऐसी बस आदत है यार। क्यों? रोज सुबह उठो घंटी टन 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 टन, जाओ भगवान, कोई सिर पैर नहीं, रोज सुबह सूरज की आदत है, आ जाता है, तो फिर हमारी भी तो आदत होनी चाहिए ना। आप ध्यान देंगे, सूरज कभी भी दोबारा इस ब्रह्मांड में सेम समय पर आया ही नहीं है, सेम स्थान पर आया ही नहीं है, ब्रह्मांड में लगातार हमारा सोलर सिस्टम लगातार चल रहा है, एक जगह स्थापित कुछ है ही नहीं, हम कैसे स्थापित करने में लगे? बस यही है भगवान, बस यही हमारी जिद है, हम तो ऐसे ही जिएंगे। कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि समय अनुसार हमेशा परिवर्तित होते चले जाओ, जीवन में आनंद के अतिरिक्त है कुछ नहीं। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ऐसा सोचना जो कृष्ण के समान है।
कोई बात अच्छी गंदी है, किसी बात का लेना देना नहीं, धर्म की स्थापना करनी है। अब आप कहेंगे धर्म की क्या स्थापना, भाई धर्म की सिंपल सी स्थापना है, आपने कुत्ते को देखा और कुत्ता भौंक रहा है, अब आप उसे सिखाने बैठ गए चुप भौंक मत, उसका धर्म है भौंकना, आप वो नहीं रोक सकते। अब आप इसमें लड़ रहे हैं क्यों भौंक रहा है यार, कुत्ते भौंकते रहते हैं यार, कितनी अजीब सी बात है, धर्म स्थापित है, कुत्ता भौंकेगा ही, उसकी दुम पे पांव रखो काटेगा ही, आप क्यों छेड़ रहे हो। अब इसको कोई बोले गंदी बात अच्छी बात, सूरज आ रहा है धूप फैला रहा है, ये धर्म है उसका, बस धर्म की स्थापना हो गई, ये धर्म और क्या धर्म। अब आप लड़ो जी ये तो गंदी बात अच्छी बात, ये ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं है, लेकिन 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 लगा के आप स्वादिष्ठाना स्क्वीज कर रहे हैं। ध्यान रखिए इससे ऊपर कैसे उठेंगे, ईश्वर तक डायरेक्ट सप्लाई, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट मीटिंग कैसे होगी, सड़ सड़ के मरना पड़ेगा, क्योंकि दुखी दुखी होगे तो जी भी रहे, कैसे जी सकते हो आप सुख से। जिस दिन आपको बढ़िया यार जो चल रहा है बढ़िया ऐसी की तैसी में जाए, भाई बहुत सुखी होगा, एक सेकेंड लगेगा सुखी होने में, क्या दे रहे आप, रो रहे हो मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे पड़ोसी ने वो कर दिया, मामा जी ने मुझसे लंबी गाड़ी ले ली, अम्मा यार हर चीज में लेकिन, लेकिन मैंने ये चाहा था, लेकिन मैंने तो वो सोचा था, लेकिन मेरी तो ये इच्छा थी, तेल लेने गई तुम्हारी इच्छा, भगवान ने कभी पूछा है तुमसे, किसी को मिला है भगवान, किसको मिला, आपके जीवन में जिस प्रकार आप मीठे को महसूस कर सकते हैं ऐसे आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, वो महसूस करने वाली चीज है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करें यार कोई तो चक्कर है, कहीं तो कुछ इंटेलिजेंस है जो साला किसी खास दिशा में हमें धरती को इतना डिस्टेंस पे रखा गया है सूरज से कि यार यार लाइफ है, औरों को तो इतना डिस्टेंस मिला नहीं, कुछ खास डिस्टेंस के ऊपर ऐसा स्पेसिफिकली किसी ने, कहीं कोई इंटेलिजेंस है, कहीं ज्ञान है जिसने चंद्रमा को ऐसी खास जगह रखा है कि सूर्य उससे लाखों गुना बड़ा है, लेकिन जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसके सामने आता है तो पूरे सूर्य को ग्रहण लग जाता है। यार कुछ तो है खास, कुछ तो लोचा है, सुबह शाम होती है, रात दोपहर ऋतुएं आती हैं, पतझड़ आती है, कौन चला रहा यार, यार कोई तो चक्कर है, हमारा खाना पच जाता है, यार कोई तो लोचा, सांस चल रही है, यार ये खराब कौन कर रहा है, ये खराब करता है, लेकिन अपने आप तो बॉडी हील होना चाहती है, आप देखेंगे छोटे बच्चे जल्दी हील हो जाते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं या ज्ञानी हो तो नो प्रॉब्लम। पहले कहा जाता था 100-100 साल, 150-200 साल जिए, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी ऑटो हीलिंग पे थी, हम हील होने ही नहीं देते, हमने लगा रखा है, ऐसा क्यों हो गया यार, नहीं यार लेकिन यार ये चाहिए था मुझे तो, लेकिन वो चाहिए था, मेरे तो लेकिन ये सपना था। आपके इन सब रेजिस्टेंस, इन सब ब्लॉकेजेस, इन सब बाउंड्रियां लगा देने से जो फ्री फ्लो जीवन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से चल रहा है वो रुक जाता है, और इसके रुकने मात्र से आपका स्वादिष्ठाना डिस्टर्ब होता है, स्वादिष्ठाना डिस्टर्ब होने से जो कार्मिक प्रोसेस है वो बुरे तौर पर चलते हैं, ये पानी दे रहे हैं आप कर्मों को, पूर्व जन्म के सारे संचित कर्मों को जल दे रहे हैं, उसका पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। आपने कैसे पानी दिया, खुले दिल से, बढ़िया शांति से, फ्री फ्लो, बढ़िया चलेगा। आपने कुड़ सड़ के रो पिट के दिया, क्या होगा, आपके वही कर्म ब्लॉसम होंगे, इस जन्म में वही कर्म ऑन हो जाएंगे जिसमें सड़ना कोना। संसार में जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो हार्ट चक्र जो हृदय से चलता है, उसका एक विशेष पॉइंट है, विशेष महत्व, यहां हरा रंग होता है, विबग्योर लेते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर है, व्हाइट लाइट के 7 टुकड़े बनते हैं, यहां ग्रीन है, ग्रीन क्या है, लाइफ, हरा। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि जो भी जीवन है वो इसलिए है क्योंकि इन हरे पत्ते वाली प्लांट्स के अंदर शक्ति है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड खा जाते हैं और ऑक्सीजन फेंक देते हैं, और वही हमारे लिए उनका थूका हुआ, उनका फेंका हुआ, उनके द्वारा निष्कासित, उनके द्वारा कूड़ा जो ऑक्सीजन है वो हमारा जीवन है, इसलिए ये कहने की बात हुई हम जो फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो उनका भोजन है, तो कहां कुछ अच्छा गंदा सही गलत, बड़ी प्यारी सी संचालन है ईश्वर का, यही ईश्वर की शक्ति है कि उसने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि कुछ भी एक दूसरे को पूरा कर देता है और हमारा जीवन चलता है। ये मान के चलिए जब भी आप खुली जगह पर जाते हैं, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आप परेशान हैं या दुखी हैं तो आप खुली जगह जाएं, वहां क्या मिलता है, बहुत खुली जगह और बड़ा बड़ा मैदान, बड़े सारे हरियाली, खूब सारे पेड़ पत्ते पौधे, चिड़िया चहचहा रही हैं, आपको क्या लगता है क्या होता है, आप अचानक इतने बड़े एरिया के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं जहां ग्रीन कलर होता है, और उस ग्रीनरी के कारण से आपके अंदर अच्छी फीलिंग आ जाती है, व्हाट इज दिस अच्छी फीलिंग, कुछ अच्छा लग रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, हिल स्टेशन गए थे यार, मन करता है 4 दिन के लिए फिर वहां चला जाऊं, क्या होता है ये, मन क्या करता है, वहां की जो वाइब्रेशन मिलती है वो इस कलर से मिलती है और हार्ट चक्र आपका रिफाइंड हो जाता है, जैसे ही हार्ट चक्र रिफाइंड होता है आप कहते हो
ये चाहिए था यार, ये मिला नहीं, जो आ थी ना ये मिली नहीं, कई दिनों से महीनों से नहीं मिली, ये मिल गई यार। सारा डर भी गायब हो गया, डर गायब हो गया, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, यहाँ इच्छाएं खत्म हो गई, सब ऐसी ही तैसी में जाए, ये खाऊंगा वो खाऊंगा कुछ भी खाऊंगा हजम होता है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं। इसे खुश होना कहते हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, होने दो चलने दो बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हरे रंग से कनेक्टेड है। हरे रंग लेके चलेंगे आप, जीवन देता है, हरे रंग में कितने सारे पत्ते हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं। आप बड़े मजेदार बात समझेंगे, बड़ी हैरानी की बात, कि जो पेड़ पौधे हैं, कई ऐसे पत्ते वाले पौधे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जो कि जानवरों की तरह जानवर को खाते हैं, वो कार्निवोरस हैं। कई ऐसे के ऐसे पौधे हैं जो अपने अंदर फंसे हुए इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनके अंदर जितना भी कीड़े वीड़े पलते हैं वो उन्हीं को खाते हैं। अभी बड़ी अजीब सी बात है, एनिमल जैसा बिहेवियर है उनका। जो टोबैको का प्लांट होता है जिसमें निकोटीन होती है, जिसके लिए दुनिया सुट्टा मारती है, वो बड़ा मजेदार होता है। वो 100-100 साल तक इंतजार करता है कि मैं उगूं। कैसे उगता है वो? जब अपने आप जंगल में आग लगती है। आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि इसका पौधा तभी ही लग सकता है जब जंगल में अपने आप आग लगे, किसी के लगाने से भी नहीं, अपने आप। जब अपने आप आग लगती है तो वीड कहते हैं इसको, इसके इसके बीज नीचे जमीन में पड़े इंतजार करते हैं और फटाफट उनमें फटाफट प्लांटेशन हो जाती है। बड़ी मजे की बात है यार, प्रकृति ने क्या कमाल की चीज करी है। क्यों? वाइल्ड फायर से जलता है। क्यों? क्योंकि तमस है। तमस क्या है? तमस का देवता शिव, तमस को जीत डाला, तमस को जीत डाला। कौन होता है तमस को जीतने वाला? लल्लू होता है। अक्सर लोग अपने जीवन में रोते पिटते हैं, यार बड़े लल्लू से रहे यार, बड़े भोले रहे, टू गुड, वही रहो, आप में शिव की शक्ति रहेगी। पलह रुष्ट पलह तुष्ट, अभी खुश अभी दुखी। आप जो व्यक्ति जल्दी रो लेता है, जल्दी खुश हो लेता है, उसको बीमारी नहीं होती कोई, वो प्रसन्न रहता है। मन पे रोग लगा डाला, कई कई साल तक पुराने पुराने झगड़े रखे, वो व्यर्थ कर देता है जीवन को। फिर भी मनुष्य में आते हैं, ये आएंगे, क्योंकि हम शिव नहीं है। पर जब जब जितने समय शिव स्वरूप बन सके, तब तब हमारा जीवन पुनः हीलिंग की ओर जाता है, हम पुनः हील होते हैं। तो वो पत्ते पौधे क्या करते हैं, जब वो पत्ता बड़ा होता है तो उसको ना अपना फ्लावर्स बनाने होते हैं, क्योंकि आखिरी कार्य सबका है जीवन देना। हम धरती पर आए जीवन देना चाहते हैं, इसलिए हमें बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं अपना कुछ बना के छोड़ जाए, ताकि हम तो ना रहें, कुछ रह जाए। ये कॉन्शियसनेस का खेल है, क्योंकि कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, शरीर से छोड़ के जाती है लेकिन रहती है। अब वो जब पौधा चाहता है कि मेरे पोलन्स जाए, पोलन्स होता है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी है इस डायमेंशन की, तो वो अपने अंदर पत्तों में से ऐसी गंध छोड़ता है कि उस पत्तों को खाने वाले कीड़े आते हैं। अब पत्तों को खाने वाले कीड़े आते हैं, वो कीड़े खाते हैं, उसके पोलन्स होते हैं, उसको उठाते हैं, उनके पैरों से परों से लगते हैं, फिर वो दूसरे पौधे पर जाते हैं। फिर दूसरे पौधे पर जब पोलन्स चले जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, फ्लावर्स, फूल और बीज बनने शुरू हो जाते हैं, पेड़ का काम हो गया। सोचिए कितनी कमाल की इंटेलिजेंस है। ब्रह्मांड में ऐसी इंटेलिजेंस है जो इनको अकल दिए बैठी है। ना आंखें हैं, ना पैर है पौधे के, चल के कहीं जा नहीं सकता कि पानी पियाऊं मैं जरा एक ग्लास डाल के। कितनी बुद्धि है, कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही है अंदर, ये कॉन्शियसनेस है। अब मजे की बात इसके भी आगे, अब अपने ग्रीन को बचाने के लिए वो क्या करता है, जब वो इंसेक्ट आते हैं तो आके अंडे दे जाते हैं, अंडों में से निकलता है कैटरपिलर। ये कैटरपिलर वो कीड़ा है जिसको बाद में बटरफ्लाई बनना होता है। अब वो कैटरपिलर कहता है मुझे भी पलना पोसना है, तो उसके पत्ते खाना शुरू कर देता है। पत्ते खाता है, पत्ते खाते खाते पौधा कहता है यार मेरे तो बैठे बिठाए लंका लग गई। अब वो पौधा कितना चालाक है, वो जो कैटरपिलर खाता है उसको उसके थूक को मिक्स करता है अपने पौधे के साथ और हवा में ऐसी गंध फेंकता है जो उन कीड़ों को बुलाती है जो इन कीड़ों को खाते हैं जो कीड़े उसको खा रहे हैं। कमाल की इंटेलिजेंस है। और वो कीड़े आते हैं और इन कीड़ों को खा जाते हैं। अब उसका काम हो गया, पौधे में उसके फूल लग गए और वीड बन गई, टोबैको बन गए, जो बन गया जी। अब वो अगली बार क्या करता है, अगली बार नहीं बुलाता वो ऐसे इंसेक्ट्स को जो पत्ते खाए और ऊपर से कैटरपिलर छोड़े उसका जीवन खराब करें। अब वो ऐसा केमिकल, ऐसा रसायन हवा में फेंकता है जिससे चिड़िया आती है। अब चिड़िया आती है, चिड़िया अपने पंख लेती है, नए पोलन्स लेती है, दूसरे पौधे पे जाती है, वहां पर पोलिनेशन करती है और फूल नए बनने शुरू हो जाते हैं। एक बार की जिद मार के अपने आप को कुर्बान करता है, आगे जीवन चलता है। कितनी कमाल की बात है, क्या इंटेलिजेंस चली गई, किसने बनाई ये? क्योंकि उन्मुक्त, फ्री। यहां आपने लेकिन बना दिया ना, हम तो यही करेंगे जी, हम तो कुछ ना करेंगे। और जितनी इन्वेंशंस नई निराली हो रही हैं धरती पर, अब कंप्यूटर का कुछ कर डाला, फेसबुक चल गई, लीक से हटके कुछ किया है, कुछ नया निराला किया है, नया प्रयोग किया है जीवन में, कुछ पंगा सा लिया है, घबराए नहीं है हम अपने बंधे बंधाए लल्लू संस्कारों में, जिनको लल्लू संस्कारों को हमारे माता पिता ने दिया, हमारे समाज ने दिया, हमारे नाना दादा इन्होंने दिया, हम उसको पकड़ के बैठे।
नवीनता नहीं आएगी। नवीनता कब आती है, सौंदर्य कब आता है, जब कुछ नया प्रयोग किया जाए। नया प्रयोग कब होगा, जब आप लाइफ में लेकिन नहीं करेंगे। आपके लेकिन ने जीवन को बांध कर रख दिया है। जितना ज्यादा लेकिन आप लाइफ में लगाते चले जाएंगे, उतना ज्यादा लाइफ अटकती चली जाएगी। और मजे की बात, यहां पर बैठा ईश्वर इन दो चक्र पे ध्यान ही नहीं देता। ये हम ही अपने आप को कुढ़ा रहे हैं, हम ही खुद को रोक रहे हैं, हम ही प्लानिंग कर रहे हैं और हम ही उसमें बंध के परेशान है। कोई लेना देना नहीं है। और इन दो चक्र पे जितना हमने लोड डाल दिया, इन्हीं के पास बॉडी है, इन्हीं के पास बॉडी है। आपकी बॉडी में सबसे पहले कहीं ना कहीं थकान, वीकनेस या हड्डियों की कमजोरी आएगी। हमारे शरीर में जो सूर्य का तत्व है वो विटामिन डी है। विटामिन डी अपने आप इतना अंधाधुंध फूकता है, अपने आप बॉडी में सूर्य की शक्ति से बनता है। अब तो इसकी गोलियां भी बन चुकी हैं कि भाई ओरली खा लो, शरीर नहीं बना पा रहा क्योंकि धूप में कम जाते हैं। फिर हम कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े सूर्य की एनर्जी को रोक लेते हैं। मनुष्य ने वस्त्र बनाया हमेशा सुंदर बनना है। मनुष्य ने आज सेल्फी बना ली है क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे, और अच्छे लगना है। दे एक सेल्फी, दो, दस सेल्फी, 1500, 150 सेल्फी। अब उसमें अच्छे लगने की प्रक्रिया बढ़ रही, और अच्छे लगना है। हमने एक बार स्वयं को देख लिया, वैसे ही हमने अपने आप को 100 बार देख लिया। अब हमने जो देखा था पहली बार वो बड़ा अच्छा था, 100वीं बार में तो बोर हो गए। वही सेम फेस अच्छा नहीं लगा, अब उसमें हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसमें हम बिंदी लगा लेते हैं, क्रीम लगाते हैं। कोई बंदा होता बढ़िया सा सूट पहनता है, गॉगल लगा लेता है, कुछ ऐसा करते हैं, झूठ झूठ ला रहे हैं कि जैसा मैं हूं वो तो है लेकिन पसंद नहीं आ रहा। तो यार एक सेल्फी और हो जाए, उससे क्या होगा। सेल्फी आज स्वादिष्ठाना को बढ़ाने वाली चीज है। पूरे संसार में आने वाले समय में सेल्फियों की वजह से इतना ज्यादा ईगो लेवल सबका बढ़ जाएगा, इतना अधिक झूठे घमंड में हम सब जीना शुरू करेंगे, क्योंकि हम बार बार स्वादिष्ठाना को टिकल करते हैं, पोक करना कहते हैं इसे, टच 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 टच, हाँ भाई सेल्फी, हाँ भाई सेल्फी। फिर फेसबुक जैसी चीज ने आज पूरे वर्ल्ड को काबू किया हुआ है, उसमें क्या है, सब ड्रामा। दे फोटो पे फोटो, हम अच्छे लग रहे हैं, अच्छा हम स्विट्जरलैंड गए थे और यार मामा जी तो गए नहीं थे, जिंदाबाद, मजा आ गया। क्या हो रहा है, स्वादिष्ठाना की खुराक दी जा रही है। जितनी खुराक इसकी दी जाएगी उतना ज्यादा आपका ये सेंटर एक्टिवेट होगा और आपके जीवन में बंधन बनेंगे। आप इतना ज्यादा लेकिन बना लेंगे लाइफ के अंदर, किंतु परंतु, ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और आपको पता नहीं चलेगा आपकी लाइफ में इतने लफड़े शुरू हो जाएंगे अपने आप। और आप सोचते रहेंगे लफड़े हैं क्यों, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया। आपका स्वादिष्ठाना इतना पावरफुल हो चुकेगा, इतना अधिक गति पकड़ लेगा कि इससे ऊपर आ नहीं सकेंगे। और ग्रीन इज आउट, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या कहती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता, कोई गंदी बात अच्छी बात का लफड़ा नहीं है। जीवन जीने का नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ इज नथिंग। क्या करना है जीवन में, फिर जीना है। हम जी नहीं रहे, हमने लेकिन लगा रखे हैं, भैया ये तो नहीं होना चाहिए, भैया वो तो गलत बात है, ऐसा तो होना ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसी स्थिति में तो बड़ी अराजकता आ जाएगी, बड़ी गंदगी फैल जाएगी। बच्चों को डिसिप्लिन करने से ना रोकना, मैं ये नहीं कह रहा डिसिप्लिन करने से रोको, पर पहले ये जानो कि आप जो कर रहे हैं क्या वो डिसिप्लिन है। अपने दिमाग में हमने ये परिभाषा तो गांठ ही बांध ली कि हमें जो पता वही सही है। आपके दिमाग को आपने हमेशा स्वयं नंबर दिया, आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं। कैसे आप जान जाते हैं कि आप सही ही हैं? हाउ आर यू श्योर ऑफ दैट? आप नहीं है, लेकिन आप कसम खा के बैठे, मुझे तो पता ही है। जितना ज्यादा आप इस अहंकार में आते हैं, स्वादिष्ठाना ऑन हो जाता है। इसके ऑन हो जाने मात्र से आपके जीवन में जितने भी संचित कर्म जो सुप्त अवस्था में इस जन्म में पड़े हैं, रोने पिटने वाले, उनको पानी मिलता और वो उठ जाते हैं। और ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगती है लाइफ में, आप कहते हैं क्यों हो रहा है यार, क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं इस बारे में। क्योंकि आपने स्वादिष्ठाना को बहुत पावरफुल कर दिया है। जितने भी मैं है ना, मैं, ये मैं जो है ये अहंकार है, यहीं पर हमारे षड विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। आप में क्रोध, काम, ईर्ष्या, लोभ, इन सब के क्लेश शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे आप भन्नाए हुए, आप परेशान है, आप तनाव में, आपके पास एक कार है लेकिन भोग नहीं पा रहे अच्छे से, आपके पास शरीर है लेकिन खाना नहीं पचा पा रहा अच्छे से, आपके मन में शांति की बजाय उद्विग्नता है, उड़ा हुआ है, शांति खत्म हो चुकी है, टेंशन के अतिरिक्त रहा कुछ नहीं, इतना प्रेशर, इतना क्लेश है कि आप हर समय ये ढूंढते रहते हैं गलती है कहां, और गलती आपकी है भी नहीं। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका रेडियो स्टेशन यहीं से काम कर रहा है और यहां ईश्वर का सहयोग नहीं मिलता। ईश्वर का तत्व का मतलब क्या हुआ, शांति, आराम, पीस,
हाँ यार मजा आ रहा है, अच्छा चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है। ईश्वर का अर्थ है मस्त, शांत, प्रसन्न हो जाना। आपके जीवन के अंदर इतना मजा है कि कुछ है या नहीं है आपको फर्क ही नहीं है। हम किन चीजों से दुखी हैं आज जीवन में? दुख क्या है यार? वो वाली गाड़ी लेनी है। क्यों? गाड़ी के चार टायर हैं। ये बातें बहुत व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज में आते हैं यार, क्या फर्क पड़ेगा आपने 5,000 की घड़ी पहनी कि 50,000 की? टाइम तो दोनों ने सेम बताना है, और सच भी है, सच है बिल्कुल। आपने नींद अच्छी लाने वाले पलंग पे सोना है या बहुत बढ़िया पलंग पे सोना है कि इसको देख के मजा आ रहा है? क्योंकि अंत में आपको स्प्राइट पीनी है, अंततः आपको क्या करना है? ईश्वर चाहिए, शांति मिल गई यार, भगवान मिल गया। जब कहते हैं ना कि यार खाना खाया तृप्ति हो गई यार, आज तो बस ऐसी शांति, वो वाली शांति। हमें धन भी कमाना है तो यही करना है, भोजन करना है तो भी यही वाली शांति चाहिए। अब हमने इसके आगे पीछे बैरियर्स बना दिए, लेकिन के ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये करना है नहीं करना, क्या होगा लाइफ में? अटकाव। अटकाव का क्या अर्थ है? बहुत चीजें आपने एक ऐसे स्टोर में रख ली, जैसे मैं बताता हूं कि आपने बहुत, ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है जिसने, मैं उदाहरण ले लेता हूं, मेरे लेक्चर सुन लिया कोई। अब जितने ब्रेन ने जिन्होंने लेक्चर सुना उनका ब्रेन पहले से ना ये बातों से भरा हुआ है, ऐसे ऐसे वाला ब्रेन का संस्कार उनका ऑलरेडी है। अब क्लास सुन ली और उसके बाद ये एक्स्ट्रा एरिया में कुछ और आ गया, बहुत बढ़िया हो गया यार, हाँ यार, हाँ यार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यार ये तो, ये इतनी प्यारी बात है ना, ये तो बड़ी जमी है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने कप लेना है अपना, इसकी प्याली से आपने चाय पीनी है, ये आप चाय पियोगे। ये वाला चाय कौन सी प्याली है? ये जीवन को इस्तेमाल करने वाला कौन सा कप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी ब्रेन का। इस ब्रेन को क्या किया आपने? एक डब्बा लिया, इसमें बढ़िया से यहां रख दिया, हर लेक्चर के बाद ऐसे रख दिया बहुत कुछ, और ये डब्बा साइड में रखा हुआ है रसोई में। अपना वही पुराना कप लिया, वही चाय, वही उबाली, और उसी के साथ यहां से रोना पिटना करके चाय पी ली, और दे लेकिन फिर कोई बात करता ना, यहाँ पे जाते फटाफट, यहाँ पर एक पाइप लगाते हैं, सामने मामा जी बैठे ना, उनको बताना शुरू, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये बात वो बात, हो गया, समझ आया, ज्ञान मिला, अकल आई कुछ, समझ आई ना, अकल आ गई। उसके बाद यहां से वापस डब्बा बंद करके रख दिया, फिर अपनी चाय शुरू कर दी। फिर जब समस्या होती मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा जी हमने आपकी बात तो सुनी, लेकिन लगाते ही वो वापस इसी ब्रेन को ऑन कर रहे हैं, आपने पुरानी चीज को छोड़ा ही नहीं है। आपकी पुरानी जिदें, पुराने लेकिन, पुराने स्यापे, पुराना व्यवहार खत्म नहीं हुआ। क्यों? कई बार तो राजपूत खानदान का लफड़ा होता है कि हमारे दादाजी भी ऐसे थे, पिताजी भी ऐसे थे, हम भी ऐसे करेंगे। कौन कर रहा है ये जिद, ये लड़ाई? सारी स्वाधिष्ठाना की है। स्वाधिष्ठाना में ही नर और नारायण रहता है, वही शक्ति है नारद बन जाने की, जो कहीं भी प्रक्षेपित होता है, कहीं पर भी एनर्जाइज हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। स्टार ट्रैक मूवी देखी हो तो उसमें नारद की तरह प्रकट होते थे, कहीं के उठा के कहीं चले गए, टेलीपोर्ट हो जाते हैं, टेलीपोर्टेशन। ऐसे हमारे विचार भी टेलीपोर्ट होते हैं। हमने यहां से एक विचार फेंका और बच्चे के पास भेज दिया, अपने मेरे बच्चे की लाइफ में ऐसा हो। आप सच में समझेंगे यही आशीर्वाद है। आपने आशीर्वाद फेंका, आपका बच्चा किसी ट्रैकिंग पे गया हुआ, यहां से आपने फेंका विचार, बस मेरा बच्चा बढ़िया से ट्रैकिंग करके आए, हे ईश्वर कृपा करना। आपने अपने यहां पर ऊपर बड़े वाले हाउस पे बोल दिया, सहस्रारा पर, हे ईश्वर कृपा करना। अच्छा जी, बच्चे पे कृपा पहुंच गई, बच्चा ठीक ठाक आ गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया, यहां पर एक मम्मी है या पापा है, हे भगवान रक्षा करना, पता नहीं वहां क्या होगा, मर भी जाते हैं, सुना है, भगवान सुन रहा है ऊपर बैठा है, मरना है, मारना, चोट, बीमारी, आपने यही पार्किंग कर दी, अभी की अभी आपने ये विचार फेंका है और वो टेलीपोर्ट हुआ, बच्चे तक पहुंचा है, क्योंकि वो सेम डीएनए का है आपका, यहां से टेलीपोर्ट के विचार गया और बच्चे का वह एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर आप क्या बुद्धिहीनता प्रदर्शन करते हैं, भगवान ने जिंदा तो बचाया, आपने कमांड नहीं दी थी जान से मारने की, नहीं तो वो भी मार देता। आप मरने की कल्पना करो, जान से मर जाएगा। आप अहंकार करें, लंबोर्गिनी दिलाए बच्चे को, बच्चा पेड़ में मार करके खुद भी मर जाएगा, लंबोर्गिनी भी डिस्ट्रॉय होगी, यही तो होता है। ऐसा ही होता है, हम ही शक्तिशाली है, हम मल्टीपल कमांड फेंक देते हैं, इसलिए ना मर पाता ना बच पाता, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ये, इससे तो मरी जाए, नहीं यार नहीं, मरना नहीं, अच्छी बात नहीं, ये कैसे निकल रहा, मेरे मुंह से नहीं सोचना चाहिए, दोनों कमांड्स काम करेंगी। और अगर सिंगल ही दो तो हो जाएगा, ये सिंगल कमांड देना ही तो ऋषि मुनि जानते थे, इट इज डेंजरस। मैं तभी तो लोगों कहता हूँ लिखवाओ मत, मुझसे हो जाएगा।
आपको तो पता है कितनी कितनी बातें मैं लिख लिख के नहीं क्या क्या हुआ। इसलिए वो जब आप जान जाते हैं सिंगल थॉट से प्रक्षेपित करना उस विचार को, वो काम होके रहता है, क्योंकि आप ही कर रहे हो, यू आर द वन हु इज मैनिफेस्टिंग। आपका जो जल तत्व है पानी ऊपर चढ़ता है, क्लाइम करता है, जो पानी है उसको जमीन में डाल दीजिए पौधे में, वो ऊपर के टॉप के पत्ते तक पहुंचता है, पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही आपका स्वाधिष्ठाना पे रहने वाला सारा जल, सारा मैनिफेस्ट करने वाली शक्ति सहस्रारा तक कनेक्शन लेती है, लेकिन उस कनेक्शन के पहुंचने से पहले आपने एक बैरियर लगा दिया डब्बा लेकिन का, तो लेकिन लेकिन वाली चीजें नहीं जाएंगी, बाकी सब जाएंगी। और लेकिन के बाहर वाली जो चीजें जब जीवन में होंगी आपको कष्ट होगा, और होंगी तो सही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना है जीवन में, ये तो हो ही नहीं सकता। महाभारत का युद्ध कृष्ण रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो होना अनिवार्य था। जीवन में बहुत सी चीजें होनी अनिवार्य है, क्योंकि अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें है। हम अपना जीवन स्वतंत्रता से जीते ही नहीं और जीने भी नहीं देते। हमारे इतने बैरियर्स हैं, समाज के बहुत जबरदस्त बैरियर्स हैं, रिश्तों के बड़े जबरदस्त बैरियर्स हैं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये भयंकर बैरियर है जिसके रहते आतंकवादी प्रिपेयर किया जाता है। जितने बच्चे आतंकवाद में जाते हैं उन सबके आगे बड़ा जबरदस्त बैरियर होता है कि इसके आगे पीछे सोचना ही नहीं। जितने बुद्धिजीवी हुए, जितने साइंटिस्ट हुए, वो सारे रिवोल्टिव हुए, घर से निकाले हुए थे अक्सर, क्योंकि घर वालों के हिसाब से चलते ही नहीं थे वो, चलते ही औंधी खोपड़ी अपने दिमाग से थे, तो घर वाले कहते थे घर से निकल जा तू। और उन्होंने बाद में नाम कमाया, कुछ कमाल किया। अभी पैडमैन मूवी आई थी, पूरे समाज ने उसको गाली बक डाली क्योंकि वो बेवकूफी की बातें करता था, लेकिन नहीं था उसकी लाइफ में, करेंगे कुछ भी हो सकता है, कर डाला। फिर बाद में उसे दे अवार्ड, आओ जी आओ भाई सब स्वागत है। उसका स्वागत देर से होता है। आप अपने जीवन में कुछ भी नवीनता चाहते हैं करना, कुछ भी चमत्कार करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, लेकिन का आशीर्वाद ना लेके चलो। हम स्वयं यदि हाँ हाँ नाना सोच के चलेंगे और बैरियर लगा देंगे, तो ऊपर वाले तक पहुंचने वाली जो यहां से किरणें हैं नहीं आएंगी। आप जो भी सोच रहे हैं वो यहां से उठ के ऊपर वाले तक जाएगा और वो काम हो जाएगा। आप होने जाने दोगे ही नहीं कई चीजें, तो वो वाली नहीं होंगी, और होने जाने दोगे जो चीजें वो हो जाएंगी। अब आप असमंजस में रहेंगे, यार भगवान ने ये सब तो सुन लिया, वो सब क्यों नहीं सुना? भगवान वो सुन सकता है, आप जाने नहीं देते। आप सुबह से रात तक जाप करते हैं, पता नहीं यार कैसे नोट आएंगे, यार क्या करेंगे, यार साला यार बहुत कुछ किया लेकिन लाइफ में उठ नहीं सके, यार यार लेकिन पैसे नहीं कमा सके, यार यार मैंने इतना जायज काम किया। लेकिन जज कीजिए कि आपके दिमाग में दिन में कितनी बार ये लेकिन चल रहा है। मैं लाइफ में बहुत ऊपर उठता लेकिन बाप ने मेरे उठने नहीं दिया। अब वाकई नहीं उठ पाओगे, बाप के मरने के बाद उठ जाओगे, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में है। ये बड़ी सिंपल कमांड्स हैं, बड़ी सादी सी बातें हैं, इनको आप समझें। मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है, पैसे को भूल जाओ, ये मैं करना चाहता हूं, ईश्वर करेगा अब हो जाएगा। इसी को चमत्कार कहते हैं। इसीलिए कहते हैं बड़े बड़े गधों को नोट मिल जाते हैं, क्योंकि उनको अकल ही नहीं होती लेकिन लोग लगाने की, ज्यादा लॉजिक ब्रेन नहीं लगाते। लॉजिक ब्रेन लगाना तो पाप है। मेरे पास अक्सर कई लोग आते हैं, बड़ी प्यारी घटना है कि जी मेरी वाइफ है जी, इसको समझाओ जी। मैं कहता हूं अल्लाह, ये भी कोई काम बताया? अबे मूर्ख, वाइफ को समझाया नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा वो स्त्री है, स्त्री पूर्ण होती है। अगर कोई स्त्री आती है चिंता करती है मेरे पास, तो कहता हूँ हाँ मम्मी हो या जो भी बहन हो, आपको हक है। अब वो कहती है कि जी ये तो समझते नहीं है। मैंने कहा ये तो है मूर्ख, पागल है, सांड है, दिमाग खराब है, दीवार में टक्कर मारेगा, तुम मत समझना देवी। स्त्री पूर्ण है, उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम का लफड़ा नहीं है, इसलिए वो जो है वो संतुष्ट है, शी इज ओके, उसे कोई आग नहीं लगी है। इसलिए जो उसके पास है वो उसे बुरी तरह पकड़ के बैठ जाती है, उसे कोई लफड़ा नहीं है, और उसी के साथ उसका जीवन है। उसे कोई ऋषि बनने की शौक नहीं है, स्त्री को ऋषि मुनि बनने का कोई शौक नहीं है, वो पहले पूरी है। आदमी कहता है यार मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने नोट छापे, मैंने नाम किया, यार मुझे चैन क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक वाई क्रोमोसोम है जो लास्ट 23वें क्रोमोसोम का एरिया, वो अलग है, वो है ही नहीं, वो उसके समझ नहीं आता मैं पूर्ण क्यों नहीं हूं। इसलिए वो कहता और चाहिए और चाहिए। जब वो बहुत बना लेता है फिर वो कहता मैं त्यागना शुरू करूंगा, अब शायद त्याग के मिल जाए शांति। फिर वो त्यागना स्टार्ट करता है, वहीं से टसल शुरू होती है। इसलिए पुरुष को कोई चीज बोलो कहता अच्छा समझाइयो जरा, बताइए जरा कैसे कैसे कैसे। स्त्री को बोलो कहती है क्या पता आप जो कहते हो ठीक है, मुझे समझ तो कुछ आ जाएगा। इसलिए स्त्री को बता दो,
अगर आपने समझाने वाली ब्रेन इस विचार से किया तो आप माथा मार रहे हो दिमाग में, उसको समझाना व्यर्थ है, वो वैसे ही पूर्ण है, वो जैसी वाली है। अब वो क्या कर सकती है, वो कैसे परिवर्तित होगी? ये परिवर्तन उसमें तब आएगा जब वो समझेगी तो है नहीं, वो फॉलो करेगी। उसको समझना आवश्यक भी नहीं है। ज्यादा समझदारियां जो दिखाती हैं स्त्रियां कि अब तेरे बेटा बच्चा होने वाला है, तू रेस्ट कर, गर्भ में अक्सर होता है ऐसा, वो सारी मम्मियां अपने बच्चों को पीलिया देती हैं। इस पे मैंने क्लास करके बताया हुआ है कि गर्भ में रहते हुए माँ बच्चे को जला डालती है और उसे पीलिया हो जाता है, फूक जाता है। वो मम्मियां फालतू दिमाग लगाती हैं, जो सहज स्वभाव से चलती रहती हैं वो आज बेबी डिलीवर करती हैं, कल फिर काम कर लेती हैं। इसलिए स्त्री को डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है। वो स्वयं चेंज कब होगी? जब वो फॉलो करेगी। इसीलिए ये देखेंगे आप, गुरुओं के पास स्त्रियां ज्यादा होती हैं। कोई भी गुरु का जो समाज है उसे स्त्री चलाती है, पुरुष नहीं। पुरुष तो उल्टा ये कहते हैं जामो तो उसके पर लिखने जा रही है, पागल किस किस की सुनती रहती है तू। फिर वही उसको घसीट के लाते एक दिन, चल बे ऐसी के पैसी के। फिर उसको भक्त बनाती है, समझाती है, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये नेचुरल प्रक्रिया क्योंकि वो कहती फॉलो तो मैं कर लूंगी, समझाने की हिम्मत ना करना मुझे। क्योंकि स्त्री कमाल की फॉलोअर है, बिकॉज देखिए जो राइट ब्रेन होता है हमारा, दैट इज कनेक्टेड टू गॉड, दैट इज द गॉडली ब्रेन। और जो स्त्री का है वो राइट ब्रेन ही है, अवे फ्रॉम लॉजिक, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ कसम है। इसलिए जब वो पकड़ लेती छोड़ती नहीं, शी इज लाइक अ होस्ट। कई बेले आपने देखी होंगी, बेल होती है ना, बेले ऐसे चढ़ती हैं और फिर जाके किसी पेड़ के अंदर यूं टक से फंस जाती है एक डंडी उसकी, और वो उसी का खून चूस चूस के अपने आप को पाल लेती है। अब वो क्या करती है, जो होस्ट है उसे मरने भी नहीं देती कि अगर तू बेटा मर गया ना तो मैं मर जाऊंगी, और खून भी पीती रहती है और जिंदा भी रहती है। इसलिए स्त्री को ये सच्चाई है, हमारा जो स्त्री तत्व है वो बेल के समान है और उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि परिवार और पूर्णता, सिंगुलरिटी से परे डुअलिटी तक का सुख स्त्री ही देती है। उसके पश्चात पुरुष ऋषि मुनि बनता है, क्योंकि वो कहता है यार तो बहुत खुश मिला दिया और मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए कई लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि ऋषि मुनि स्त्री क्यों नहीं बनी, मैं कहता हूं तुम ऑलरेडी हो, तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता समझाना तो व्यर्थ है। आप अपने जीवन में जितना भी ये फेमिनिन तत्व को समझाने में लड़ाई सारी है, ये समझाने में लगे हुए, अपने बच्चों को समझा रहे हैं, आप ये ना समझे आप अपने बेटे को समझा रहे हैं। आप जो बेटे को समझा रहे हैं उसमें 60% पुरुष है और 40% स्त्री है। हर पुरुष के अंदर भी स्त्री है, हर स्त्री में भी एक पुरुष तत्व है। आपके बेटे को जो आप समझा रहे हैं उसका स्त्री तत्व जो है जितना, वो समझेगा कभी भी नहीं, वो फॉलो कर सकता है यदि वो आपका आदर करता है। उसका 40-50-60% तो समझ लेगा जो पुरुष तत्व है, बाकी 40-50 को पल्ले नहीं पड़ेगा बाप क्या भौंक रहा है। तो कहेगा तो बुड्ढा बोलता रहता है, मेरी मूछ आने दे, एक दिन मैं इसको डंडा पकड़ के पीटूंगा, बदला लूंगा। वो पुरुष है, पुरुष बदला लेना चाहता है, पुरुष लड़ना चाहता है। स्त्री कहती है सिर्फ खून चूसूंगी पिया, और कुछ ना चाहिए। खून चूसना मींस मैं भी पलूंगी और तुम्हें भी पालूंगी। इसलिए साथ का हिसाब बड़ा विचित्र, इसलिए एक्सप्लेनेशंस आर नॉट नेसेसरी एवरीवेयर। आपको समझना मात्र इतना है कि जितने बैरियर्स आपने लगा रखे हैं, जिदे मार रखे हैं, जिद कौन करता है? सारी जिद स्वादिष्ठाना करता है, सारी ईगो तत्व वहीं से है। इसलिए आप जिद कर रहे हैं किसी को समझाने के पीछे पड़े, मैं तुझे बता रहा हूं लेकिन तेरी समझ नहीं आ रही है। लेकिन आ गया, लेकिन इतना जोर से आ गया, अब वो समझ नहीं आएगा, आप माथा मार मार के मर जाओ। मैं बैठ के लेक्चर कहानियां आपको सुना रहा हूं, आप समझ रहे हैं, शायद हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पल्ले पड़ रहा है, बाहर किसी रिक्शे वाले को समझाऊंगा ना गोली मार देगा मुझे। इट इज अ लेवल, कॉन्शियसनेस के लेवल की बात समझिए। इसलिए आप समझाने लग गए एक बात को, समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ स्वयं आता है, समय ही कराएगा। इसलिए जीवन में हर चीज के लिए क्या करना है, पेशेंस रखना, समय के हवाले छोड़ना है। जल्दबाजी करोगे कभी ना होगा। हम हमेशा ऊंचा देख देख के मरते हैं। क्या करता है अहंकार, अहंकार हमेशा तंग करता है। एक बार एक 50 बच्चों की रेस हुई, 50 बच्चों की रेस के अंदर बच्चे दौड़ रहे, फर्स्ट आना है, पता है सबको कि 3 ही पोजीशन के लिए प्राइज मिलेगा। अब पेरेंट्स भी बड़े एक्साइट हो रहे हैं, भागो मुन्नी, भागो चुन्नू, भागो बेटा, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बच्चे, पापा मम्मी कह रहे शाबाश बेटा, और तेज बेटा। अब बच्चे भाग रहे भाग रहे, आना तो एक नहीं होता फर्स्ट, एक नहीं सेकंड, एक नहीं थर्ड। अब वो 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, उनके पापा मम्मी बस नशे में, वाह मेरे बच्चे मजा आ गया। अब एक पापा अपनी बेटी को देख रहे थे, बेटी आई थी 5th,
अब वो बड़ी रोते पिट्टी से आई, पापा क्या हो गया? बोले वाह बेटा शाबाश, तुम तो फर्स्ट आए हो। बोले पापा दिमाग खराब हो गया क्या, फर्स्ट वो आया, सेकंड दूसरी मेरी फ्रेंड है, थर्ड वो है। बोले बेटा तुम भी फर्स्ट हो, चलो आइसक्रीम खाएंगे। बोले पापा मेरे को अवार्ड क्यों दे रहे हो इस टाइम? बोले बेटा तुम बाकी 45 बच्चों से फर्स्ट आयो, ये सोचो उनसे आगे हो। बोले पापा तो फिर मैं उनसे तो फर्स्ट नहीं आई ना जो आगे थे। तो बोले बेटा उनकी तैयारी तुमसे ज्यादा अच्छी थी, तुम उनसे तो जीते जिनकी तैयारी तुमसे कम थी, फर्स्ट तो तुम अभी भी बहुतों से हो। बोले वाह पापा मजा आ गया फिर तो। पापा फिर नेक्स्ट टाइम बेटा और अच्छी तैयारी करेंगे, हम और अच्छी तैयारी करेंगे, अब हम आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ेंगे। मैं फर्स्ट तो लेकिन आई नहीं, लेकिन नहीं लगाना, यू हैव टू एंजॉय द फिफ्थ पोजिशन। आप एंजॉय ही तो करोगे अगर आपको प्रमोशन चाहिए थी, आपको प्रमोशन चाहिए थी, एक ऐसी प्रमोशन जिसमें आपको 50,000 रुपए महीना बढ़ता। मैं एग्जांपल पे तौर पे बोल रहा हूं, अब आपने 50,000 लेना था, उसके बाद करना क्या था? एंजॉय। अब मिल गया 40, अब आप क्या कर रहे हो? रोना। कैसी मूर्खता है, कौन करा रहा है ये? खोपड़ी में था लेकिन, लेकिन यार 85,000 डिजर्व करता हूं मैं यार। नहीं भाई 50 ही मेरे को मिलने चाहिए, वो तो तेरी खोपड़ी ने कह दिया मामा। पर भगवान क्या चाहता है? भगवान चाहता है 40 देना। मान लो कोई ऊपर की शक्ति है जो 40 देना चाहती है, आपने 50 लेकर क्या करना था? अबे 40 पे भी वही कर लो यार, जीरो से तो 40 भी एक्स्ट्रा मिले हैं। सभी को सारे के सारों को दीपिका पादुकोण मिल गई तो शादी के लिए और लड़कियां क्या करेंगी? जो मिली है बेस्ट है, उससे बढ़कर कोई नहीं। अब जीवन के प्लस माइनस चल रहे हैं, वो कौन चला रहा? लेकिन वो सब बैरियर्स हैं कि जीवन इसके आगे या पीछे यदि चला तो हम धमाल मचा देंगे, आग लगा देंगे, और वही जीवन में हमारे कष्ट है। इसलिए स्वतंत्र रहो, जाने दो, चलने दो, मजे लो, हर पोजीशन पे आइसक्रीम खाओ, क्योंकि आप किसी से तो फर्स्ट हो। तैयारी और अच्छी कर लो। अगली बार तैयारी क्या है? सबसे पहले फेलियर सीखना है। आपने जीवन में फेलियर नहीं सीखा, बड़ा भारी तबाही है। एक बच्चा 10वीं क्लास तक फर्स्ट आया जा रहा है, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, अब जीवन में कब उसके फेलियर होंगे? कभी तो फेलियर होंगे भाई, कभी जब फेलियर होंगे तो इंसान क्या करेगा? खून के आंसू रोएगा। अगर शुरू में फेलियर हो गया, दो चार इंटरव्यू शुरू में फेल हो गए, एक आध साल खराब हो गया, आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ इस जन्म में, गारंटी है। जितने लोगों को 50-60 साल की एज में हार्ट अटैक होता है, वो लोग होते हैं जिनको शुरू के 20-30 साल तक कोई असफलता ही नहीं मिली, और जिसने शुरू के 5 साल खूब धक्के खाए हैं वो पूरे जन्म हार्ट अटैक से फ्री हो गया, क्योंकि वो फेलियर सीख चुका है। उसे पता है जीवन में असफलता के पश्चात हमारा मानसिक ब्रेन एंटीबॉडीज कौन सी बनाता है। अगली बार सेम चोट आने पे तकलीफ है नहीं, लड़ाई होगी ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। आपको जब 4 बार एक्सरसाइज करके चोट लग चुकी होती है, 5वीं बार आप उई नहीं करते। जीवन में जितनी जल्दी ईश्वर नेगेटिविटीज दे दे, बड़ी कृपा है उसकी। आप अपनी लाइफ में लेकिन लगाना भूल जाते हैं, आप इतने मोल्डेबल हो जाते हैं, इतने इजी हो जाते हैं कि ईश्वर जैसी स्थिति परिस्थिति देता है आप उसमें सुख ढूंढ के रहते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। आज हमारे पास आईपैड है फिर भी हम दुखी हैं, पहले कंचों से खेलने वाले भी सुखी थे, क्योंकि आज लेकिन बहुत लग गया है। अगर ये है तो ठीक है, वो नहीं है तो गंदी बात। ये अच्छी बात, ये गंदी बात, ये सारी की सारी हमारे स्वाधिष्ठाना को पावर दे रही है, और स्वाधिष्ठाना हमारी लाइफ के अंदर हर चीज को रोकना शुरू कर देगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जीवन की बीमारियां, और उससे पहले सिग्नल देने के लिए टिंकू की, शरीर की बीमारियां। हमारा शरीर बीमारी पकड़ लेता है। हमारे शरीर का मैकेनिज्म बड़ा मजेदार है। शरीर में अगर फ्रीली हाथ और पांव चलने की जगह ना हो, जैसे लोग कहते हैं आजकल एक्सरसाइज करो, क्योंकि हम हिलते ही नहीं। हिलते का मतलब अरे फुल मूवमेंट तक हाथ और पैर हिलाओ, शरीर चलता रहेगा। हमने रेंज ऑफ मोशन तोड़ दी, हम सिर्फ थोड़ा बहुत ही चलते हैं, थोड़ा बहुत ही हिलते हैं, तो वो हिस्सा चलता रहता है, बाकी डेड हो जाता है। शरीर क्या करता है? पहले बीमार पड़ता है, फिर क्या होता है? फिर जीवन बीमार पड़ता है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है तो समझ लो आपके ब्रेन में तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वो जीवन में मैनिफेस्ट होने लग गई है। नाउ इट इज हैपनिंग, और आप सड़ रहे हो, कुड़ रहे हो, लड़ रहे हो, टेंशन कर रहे हो, उसका एक ही रीजन है, स्वाधिष्ठाना डिस्टर्ब है। स्वाधिष्ठाना ठीक करने के आज हम एक्सरसाइज करेंगे, बताऊंगा बाद में। स्वाधिष्ठाना डिस्टर्ब है, लाइफ परेशान, उसका पहला सिग्नल आएगा शरीर पे। शरीर को लेकर के सबसे पहला दिमाग का खराबी होने से, शरीर खराब होने का मकसद क्या है? हम पहले दिमाग खराब करते हैं, फिर शरीर खराब होता है, फिर जीवन खराब होता है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दिमाग के अंदर हमारी थर्ड आई ब्लॉक करने में लगे हुए हैं। उन्होंने क्या क्या फैला रखा है? भाई आपका दूध जो पीते हो कंटेमिनेटेड है। ये एड सारी दुनिया में अवेयरनेस के नाम पे चल रहा है, भाई दूध तो कंटेमिनेटेड है। मान लिया दूध कंटेमिनेटेड है,
आपकी खोपड़ी भी है क्या? अगर आपकी खोपड़ी कंटेमिनेटेड है तो आप ताजा दूध पी लो, वो भी आपको बीमार कर देगा, क्योंकि 70% भोजन जो फीलिंग का है, 30% भोजन है जो हम खाते हैं या पीते हैं, 70% आपका माइंड पॉल्यूटेड है, आप कुछ भी बेस्ट खा लो बीमार पड़ोगे। मैंने लोग देखे हैं जो कूड़ा उठाते हैं, जमादार कहते हैं उनको, वो कूड़े में से भी चीजें बिन लेते हैं, दिखने में गंदे अजीब से ड्रेस्ड, और उसके बाद बीमार नहीं पड़ते, रोज आ जाते हैं कूड़ा उठाने, और हम अच्छे खासा खाना खाते हैं, घर रहते हैं और बुखार होता है, तबियत खराब क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंटेमिनेटेड नहीं है। हमें कहा जा रहा है हवा में बहुत पॉल्यूशन है, होती रहे दिमाग में है, अगर आपके दिमाग में पॉल्यूशन है, और दिमाग की पॉल्यूशन क्या है? लेकिन एक ही शब्द है, लेकिन, बट, इफ, किंतु, परंतु, ये दिमाग को पॉल्यूट करता है। जैसे ही आपके दिमाग में पॉल्यूशन हो गई, आपके जो दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड है, आपके फेफड़े खराब कर देगी। आपने कह दिया जी शराब बहुत खराब खराब चीज है, क्या दिमाग में पॉल्यूशन है इसको लेके? कि जी एक आदमी कहता है, जैसे पंजाबियों की बात बड़ी प्यारी सी होती है, हमारे मेरे बतरे सिख दोस्त हैं, और यार कडो तितर बटेर कुकड़ लाओ एक पैग, उनको कुछ होता ही नहीं, पूरी पूरी बोतल पीते हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग पॉल्यूटेड नहीं है शराब को लेके। कईयों का दिमाग पॉल्यूटेड है शराब को लेके, लिवर उड़ जाएगा, उनका उड़ जाता है। हमने क्या कमांड दिए? आपने ये कह दिया कि भैया ज्यादा दाल मत खाना, इतना प्रोटीन खाओगे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब उसी से ही आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। दूसरा कहता दाल खा के तो हड्डी बनती है। तो ये क्या लफड़ा है कि 75% जो लोग लिवर और किडनी फेल कराते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में दारू नहीं पी? ये क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग पॉल्यूटेड है। हमने अपने दिमाग में लेकिन लगा के जो पॉल्यूशन कर रखी है, स्वादिष्ट खाना में पावर दे रखी है, वो सबसे पहले हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी बीमारी, किसी प्रकार का ज्वर बुखार और अल्टीमेटली कैंसर देता है। आज कितनी जागरूकता है कनाडा अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर, यूरोप में, कैंसर 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 के बारे में जाने, कैंसर, और सबसे ज्यादा भी वही है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग में कैंसर शब्द आ चुका है, उन्हें पता लग गया है, ब्रेन बार बार कैंसर का भजन करता है और उसी कमांड को मैनिफेस्ट करता है हमारा स्वादिष्ठाना चक्र, और वही शरीर में जीवन में हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग पॉल्यूटेड किया जा रहा है। दिमाग में इतने एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं कि आप ये वाले साबुन से नहाएंगे तो ही फेयर एंड लवली बनेंगे। आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, बेटा अगर इंजीनियरिंग करेगा तो ही अच्छा या बड़ा इंसान बनेगा। जिसके दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका बेटा छोले भटूरे खरीद बेचता है और BMW में घूमता है। ऐसे ऐसे मेरे एक मित्र है, वो कबाड़ का काम करते हैं और मुश्किल से रोकते हैं अपने आप को दूसरी ऑडी खरीदने से। क्या मकसद है कहने का? कोई पढ़ाई लिखाई का लिंक नहीं है, दिमाग की पॉल्यूशन का खेल है। ज़करबर्ग क्या पढ़ा लिखा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या पढ़ाई लिखाई की है उसने? जीरो। हाई स्कूल में शुरू कर दिया था फेसबुक। नॉन पॉल्यूटेड ब्रेन ने क्या करके दे दिया? सबके सामने आज टैक्स भी भरना है तो अरब करोड़ों अरबों में है। क्या लुत्फ है जिंदगी का। दान कितना कर दिया? सारा ही दान भी कर दिया। तो पागल सा नहीं है कुछ? यही कृष्ण है, यही कृष्ण हो जाना है, यही ग्रीन कलर है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। सब ले लिया और सब छोड़ दिया, यही सारे ऋषि हैं जिनको शिव ने पूर्ण ज्ञान दिया और ज्ञान वापस ले लिया। यही मैं हर समय कहता हूं, सब सीख लिया भूल जाओ, मस्त रहो। एंजॉय कब करोगे? ज्यादा सीख लिया इफ बट लगा दोगे, गुड बैड कर दोगे तो सब अगली हो जाएगा। एंजॉय नहीं करते, चिंता करते हैं चिंतन की बजाय। चिंतन कीजिए कि आपकी लाइफ के इतने लोचे हैं, एक शब्द यदि मुंह से निकलता है, मैं कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा, आप सीधा गिर चुके हैं, मूलाधार पे काम नहीं होगा। आप एक शब्द बोलते हैं, लेकिन, इफ, बट, किंतु, परंतु, कई सब स्वरूप हैं इसके, आप समझ लो आपका वो काम आपको तोड़ देगा, कचूमर निकाल देगा। एक्सेप्टेंस छोड़ दोगे जीवन के प्रति, रेजिस्टेंस डेवलप कर दोगे, सब सत्यानाश होगा। दिमाग पॉल्यूट मत करो कि ऐसा वाला ही होगा तो यही चलेगा। सेल्फियां खींचनी बंद करो, जितनी ज्यादा सेल्फी खींचोगे, आप एक सेल्फी खींची दूसरी खींची, क्यों खींची? सेल्फी खींचते हो क्या करते हैं? वो पिग बनते हैं, पिग बेटा, पिग बनो, पिग बन गए, सेल्फी खींच ली, फिर क्या हुआ? पाउट, क्या हो रहा है? झूठ, व्हाट फॉर, क्यों पिग बन रहे? लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही, नहीं मैं और अच्छा कैसे लगूंगा या लगूंगी, एक दे सेल्फी और, दे सेल्फी और, सारा का सारा गूगल के डाटाबेस में पड़ा रहेगा, बाद में मजाक उड़ेगा, जाएगा कहीं नहीं, याद रखना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है।
अभी हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्कर करेगी, अभी हम सबके घर घर में सोफिया होगी, सोफिया जो ह्यूमनॉइड है, रोबोट है, उससे अभी विल स्मिथ ने मजाक किया। विल स्मिथ आपको पता होगा बहुत पॉपुलर हीरो है, उसके साथ उसको डेट पे भेजा गया ह्यूमनॉइड पे। ह्यूमनॉइड का मतलब आधी वो मशीन है लेकिन उसमें दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो उसने उससे बातचीत की, फ्लर्ट किया, तो उसने फ्लर्ट अलाउ कर दिया और बाकी बोली नो यू आर इन माई फ्रेंड जोन। तो देखो ये मजाक चलता है क्योंकि बड़े लोग हैं, ये बहुत न्यूज मेकर्स हैं। उसने बोला कैन आई हैव अ किस फ्रॉम यू, कहते नो आई डोंट कंसीडर यू लाइक वर्थी। सोचिए घर घर में हमारे सोफिया होगी जो ह्यूमन इमोशन को छोड़ चुकेंगे, हम इमोशन से परे चले जाएंगे। क्या बनना है हमें, रोबोट, और हम रोबोट ही बना रहे हैं। चलो इतने बजे उठो, एक तो स्कूलों ने नाश पीट रखा है, स्कूलों ने सत्यानाश पीट रखा है, पढ़ना ही है तभी कुछ होंगे। आज क्या हो रहा है समाज में, आज सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा रहे हैं हम, नॉलेज के नाम पर इंफॉर्मेशन जो किताब में है, बुक्स में है, सिलेबस, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी नॉलेजेबल नहीं है जो नॉलेजेबल असल में है, ज्ञानी एक भी नहीं बना रहे, सब नॉलेजेबल बना रहे हैं। ये क्या है, रोबोट। पहले ब्रिटेन ने हम पे आक्रमण किया तो बहुत सारे क्लर्क चाहिए थे उसको, 10वीं क्लास तक के उसने क्लर्क बनाए और क्लर्क बन के हम खुश हो गए। अब पूरे दुनिया के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि इंफॉर्मेशन आगे फेंको। इन्वेंशन करने वाले जितने लोग हैं ना, जिन्होंने नई नई इन्वेंशन की, वो खास पढ़े लिखे नहीं है, 90% तो उसमें पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो रोबोट नहीं है, वो स्वयं सोचते हैं, वो जीवन एक्सेप्ट करते हैं, हम जीवन एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन तू पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा फिर भाई, तू तो पैदा हुआ है तो कुछ कर ही लेगा, जो पैदा हुआ है वो कुछ कर ही लेगा, उसके जीवन को चलाने वाले हम कौन है। अपना तो हमसे स्वयं हमारी मर्जी से चला नहीं, अपने बच्चे का हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से चला लेंगे, कितने झूठ में जी रहे हैं। जैसे तैसे अपने आई ब्रेन को, स्वादिष्ठाना को पावर दे के खुशी मना रहे हैं, मैं चलाऊंगी या मैं चलाऊंगा, तुमसे तुम्हारा तो चलता नहीं। ये वही बात है जो पिछली क्लास में मैंने कही, मैं तो लोगों को कहता हूं जी ये करो, वो कहते हैं जी हम तो बड़े सुखी हो गए। अबा तो मैं क्यों नहीं हूं, क्योंकि मेरी लाइफ भी कोई और चला रहा है। हम सबका जीवन कोई चला रहा है, कोई इंटेलिजेंस है ब्रह्मांड में जो उस पत्ते को बता देती है, पौधे को बता देती है कि अब हमिंग बर्ड को बुला ले, अब कीड़े बुलाने की जरूरत नहीं। उसको पता है कैसे उसकी उस डायमेंशन में सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, पॉलिनेशन वो पंछी के थ्रू करा देता है, पौधे बढ़ जाते हैं, अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। हाँ जी जी, एजुकेशन के बारे कह रहे थे, ऐसे मैंने किसी किसी बच्चों को बुक रीडिंग किया करो एंड ऑल, एक बच्चे ने बुक उठाई अगले दिन मेरे आगे फेंक दिया, कहते मैं बुक में कुछ नहीं होता, सब कुछ अंदर से आता, मगर उनको बड़ा सहना निकला, मैं तो सालों बाद समझा, तो गई दिन में समझ गया। जो आपने जैसे बताया इन्वेंशन आर ऑल, तो एजुकेशन इज ऑल अबाउट नोइंग सेल्फ, नॉट नोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग बट नोइंग सेल्फ, सो दैट यू कैन इग्नाइट एंड एक दिन आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए। मेरे को बहुत कुछ लोगों ने पीछे पूछा, कई लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, कहाँ से क्या बोलते रहते हो आप। इस पे मैंने क्लास की हुई आकाश बहुत साल पहले की, 2-3 साल हो गए शायद इसको, तो मैंने कहा ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरे थ्रू कोई और बोलता है, बस उसको एक्सेस करना होता है, वहां तक तार पहुंचानी होती है, और वो तार पहुंचती है किस ब्रेन की, जो ब्रेन यहां से कनेक्ट होगा, यहां से कनेक्ट कैसे होगा, जीना नहीं छोड़ेगा, पार्टी मोड नहीं छोड़ेगा माइंड का, मुस्कुराना मस्ती मारना नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा दूसरे के हिसाब से, अपने हिसाब से चलेगा। हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बॉर्डर्स लगाने से, लेकिन का एक बैरियर लगाने से होती हैं, उसमें प्रमुख बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। हम एग्जाम्पल कैंसर का ले सकते हैं, बाकी हम और बीमारियां साथ साथ समझ लेंगे। जब भी हमारी मानसिकता में किसी किस्म की तनाव या परेशानी का हिसाब बनता है, इमिजिएटली हमारी बॉडी 3-4 चीजें मुख्य तौर पर देती है। सबसे पहला काम देती है कॉन्स्टिपेशन, जितना भी शरीर का मल है जो त्यागने योग्य है, शरीर उसको त्यागने से मना कर देता है। हमारे दिमाग में जितना मल है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे लेकिन के परे की चीज है, अगर हम उसको दफा कर दें तो दिमाग उसको त्याग देगा और किसी किस्म से बॉडी भी कुछ नहीं रखेगी। यानी जो लोग बहुत जल्दी हंसना जानते हैं, बहुत जल्दी भुला भी देते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनका अक्सर होता है, मुद्दा आज की बात कल पे खींचते हैं, तो पुरानी बात नहीं लेके चल रहा, लेकिन अभी की अभी बात में अगर आपका बतंगड़ बनता है तो कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाएगी। ये एक दिन में, 2 दिन में नहीं होती, कम से कम 3 महीना मिनिमम लगता है और 3 साल तक का टाइम जा सकता है, एकदम से नहीं होता। ये चीज अगर बच्चे में है तो मम्मी से भी हो सकती है,
ऐसा भी होता है, उसको तो पता नहीं लेकिन माँ के थॉट से होता है, सबसे पहला काम। दूसरा एसिडिटी, एसिडिटी एंग्जाइटी की वजह से होती है। एंग्जाइटी होती है जब ब्रेन फ्यूचर में रहता है, जब भी आप फ्यूचर के सपनों में लगे रहते हो, फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वैसा होगा, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो ब्रेन, बॉडी अभी यहां है, ब्रेन आगे चला जाता है, ये होने से कनेक्शन टूटता है। एसिडिटी का मकसद क्या है, बॉडी के अंदर हमारे एसिड बना जिसने भोजन को पका के खत्म कर देना है, लेकिन उसने अभी करना है, और हमने अपने विचार शक्ति आगे फेंक रखी है, जितना जितना दिमाग हमारा आगे है, अगर तो जीवन आगे का जो हमें दिख रहा है वो हमारे स्वादिष्ठाना के लेकिन से मैच खाता है तो एसिडिटी नहीं होगी। और अक्सर होता ही है जीवन कुछ का कुछ होने लगता है, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ, तो जैसे एंग्जाइटी, भय, क्लेश, परेशानी दिमाग में आती है, एसिडिटी के अटैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली होता है। तीसरा आपका है लेस स्लीप, कम नींद। अगर आप सोते हैं तो आपके दिमाग में थर्ड आई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम सब सही चलता है, इसके बारे में पहले क्लास हो चुकी है, और आपके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन नाम का सेक्रेशन ज्यादा होता है हार्मोन का, ये एंटी कैंसर है। एंटी कैंसर, आपको एक थोड़ा यहां फुंसी हो गया, कैंसर का छोटा रूप है वो भरता नहीं। आपको एक फुंसी होती है बचपन में, यंग बच्चों को हो जाती है बहुत ज्यादा, उनकी नींद बड़ी घोड़े बेच की होती है और बाद में फिर नींद डिस्टर्ब होती है, उन दौरान में पिंपल्स बहुत आते हैं, रात को बच्चे लेट उठना, लेट तक जागना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर फोड़े फुंसी, ये ऑपोजिट तरीके से सांस चलती है उससे भी होता है, यंग एज में एक्साइटमेंट जल्दी होती है, तनाव जल्दी करते हैं। मेलाटोनिन सेक्रेट करने से बढ़िया से नींद आती है। फर्स्ट क्लास खराटे लेके सोने वाले लोग, जो रात को जिनके खराटों से दूसरा डिस्टर्ब हो, उन्हें तो बीमारी होगी, उनको किसी किस्म का कट, स्कार, एसिडिटी, वोंड, हीलिंग, चोट फोट कुछ नहीं होगी। जिनका बहुत बुरा हाल होता है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, हड्डियां क्रैश हो जाती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देती है बॉडी, ऑटोमेटिकली जीवन में वो सब होने लग जाता है प्राकृतिक रूप से। सर, स्नोरिंग की प्रॉब्लम मोटे लोगों में भी बहुत ज्यादा होती है, पर फैट और स्नोरिंग, फैट भी बुरी चीज नहीं है, ये भी माइंड पॉल्यूट कर रखा है हमारा कि मोटे लोग बीमार पड़ेंगे, बिल्कुल बकवास बात है ये बहुत फैल रहा है। ओबेसिटी से आपको डायबिटीज होगी, आपने कमांड दे दी डायबिटीज, डायबिटीज मेरे पापा को भी थी, मुझे भी हो गई, अब हो जाएगी। आप पापा को आग लगा दो ना, परे फेंक दो। आपके जीवन के अंदर आपको डायबिटीज नहीं चाहिए लेकिन पापा चाहिए, अब पापा को डायबिटीज थी तो डायबिटीज गिफ्ट मिलेगी, वो साथ आएगा, फ्री में आएगा। इसलिए आपको डिपेंड करता है आप कैसे छोड़ते हो उस चीज को, आपको दफा कर देनी लाइफ से, भाड़ में जाए, तीसरे चक्कर पे क्लाइम करना है आपने, उसकी कमांड बीएमजे है, चलो कोई बात नहीं, इसी के बीएम, ये कमांड आपके हार्ट चक्कर की है, इमीडिएटली आप वहां से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। कोई काम करने से पहले होना है, कोई टेंशन है, इंटरव्यू देना है, चलो फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं यार, चलो इंटरव्यू देने चले जाओ, आप फेल होंगे ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। इतनी नन्नी नन्नी चीजों से लाइफ चलती है, इसलिए जो सरल रहते हैं, सहज रहते हैं, उन्हें दिक्कत ही नहीं होती। आपकी स्लीप डेप्रिवेशन होती है, नींद की खराबी हो जाती है, मेलाटोनिन कम होता है, अपने आप आपकी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स पनपने शुरू हो जाएंगे। चौथा होता है आपका इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल एनर्जी इन मोशन, आपके अंदर का जो ध्यान ऊर्जा है वो आप ध्यान दे रहे हैं, आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, वो ऊर्जा जा रही है, जैसे पानी दे रहे हैं आप किसी पौधे को। आप जिस चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है यार, ये हो जाए, इसके आगे पीछे कुछ ना हो, अब वो हो रहा है, वो आपकी स्ट्रेस बन गई। आपकी चाही हुई इच्छाएं और अनचाहा जीवन के बीच की लड़ाई, जितना ज्यादा आप ये करेंगे अपने दिमाग के अंदर, उतना ज्यादा आप कैंसर सेल्स को पालना शुरू कर देंगे। आपकी बॉडी के अंदर मान लेते हैं 1000 सेल बैठे हुए हैं, 1000 सेल में से 750 सेल आपके संस्कार सेल्स हैं, जो कहते हैं भाई ऐसे होना चाहिए, भाई रोज सुबह घंटी बजानी होती है, भाई ऐसे नहीं होता, भाई मंगलवार हनुमान जी का, इस दिन नहीं हम चिकन खाएंगे, और भाई वीरवार ये होता है, कपड़े नहीं धोएंगे, सिर के बाल नहीं, जो जो भी जैसे आपके संस्कार है, जो हजारों लाखों साल से घंटी बज रही है। अब आपका 25% ब्रेन कुछ नई बात कहता है, फ्रेंड्स कहते हैं अबे खा ले यार थोड़ा सा चिकन, फ्रेंड्स के साथ है मंगलवार, पापा को बताइयो मत यार। अब अंदर से आत्मा कह रही है पाप हो जाएगा नहीं बताया तो, लेकिन जबान कह रही है खिला दे। हमारा मणिपुरा चक्र बात करता है, हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं कार में, और सामने गोलगप्पे वाले की, दही बल्ले वाले की दुकान दिख जाती है, हमें ऑफिस जाना है, ब्रेन जानता है ऑफिस जाना है, टाइम से पहुंचना है, और मणिपुरा बात करना शुरू करता है, भल्ले खिला दे, कुछ तो भला काम कर धरती पे आया, भल्ले खिला दे, हेलो सुन एक गोलगप्पा ही चटवा दे, अच्छा एक पैक ही करा ले घर के लिए। अब जो जीत गया मणिपुरा, तो अब ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी साइड करेंगे और कहेंगे 2 प्लेट पैक कर दे, और अगर आपने हरा दिया उसको तो वो चिल्लाता रहेगा ऑफिस जाने तक। 3 दिन बाद सपना पूरा होगा जब उसका, तो कहेगा 3 दिन से चिल्ला रहा हूं खिला दे, कमीने खिलाए नहीं तुमने। आपके चक्र आपसे लगातार बात करते हैं, लगातार प्रतिक्षण आपको आता है ज्ञान, हाथों हाथ ज्ञान आ गया,
यार बड़ी ज्ञान की बात थी, लेकिन तेल लेने का ज्ञान नोट मिल रहा है, रख ले। आपके कौन से चक्र ने जीत लिया वो आपके जीवन में आप करते हैं, फ्री विल इसी को कहते हैं, हमने चूज कर सकते हैं अपने जीवन को। आपकी जितनी स्ट्रेस है उस पर आपने जितना ध्यान दिया, आपके बॉडी के 1000 सेल में से 250 सेल जो है वो करना शुरू कर देंगे, नहीं ये नहीं चाहिए। अब 750 सेल ज्यादा ताकतवर है, 250 सेल कमजोर है, तो 750 की बात जीत जाएगी, लेकिन 250 विपरीत जा चुके हैं। ये आपके आपके साथ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई की तरह, वो सेल दूसरे सेल को खा जाना चाहते हैं, वो उसके कुछ एमपी एमएलए तोड़ेंगे, अब 500 होंगे, फिर 400-600 होंगे, और एक दिन आप कैंसर की गिरफ्त में आ जाएंगे। आपके सेल आपके आसपास नाच रहे हैं, आपने हर तीसरे दिन हीलिंग कर ली, कोई बात नहीं यार सत्संग में गए थे शांति हो गई, आपके सेल फिर से बढ़ जाते हैं, फिर आपको चौथे दिन फिर क्लेश माइंड में होता है, फिर सेल घट जाते हैं, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है 4th स्टेज कैंसर है, 3 महीने पहले था ही नहीं। ये कोई मजाक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं जानते कि पहली स्टेज क्यों नहीं हुई, सेकंड क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप रोज हीलिंग कर देते थे, नॉर्मल हो जाते थे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा चल दफा कर, और फिर आपने फिर से आग लगा दी। आपकी दर्दें ठीक नहीं होती, आपकी तकलीफें ठीक नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर 250 सैनिकों का ऐसा बुलंद झंडा चल रहा है जो एंटी चल रहा है। ये वो हाल है, मेरे हस्बैंड है तो अच्छे लेकिन, मेरी वाइफ है तो अच्छी लेकिन, मेरा बेटा है तो ठीक लेकिन, ये लेकिन लगातार चलता है। मैं हूं तो ठीक लेकिन मोटा बहुत हूं या मोटी बहुत हूं, मैं हूं तो ठीक लेकिन पतले बहुत है, जो है उसमें रेजिस्टेंस, उसमें लेकिन लगाना बंद करो। आपका शरीर कहीं ना कहीं उस चीज से परेशानी लेगा। कैंसर एक बड़े स्वरूप में होता है, छोटी बीमारी किसी भी स्वरूप में हो सकती है। आपका शरीर हील करता है, रोज करता है, प्रतिक्षण करता है। आपकी बॉडी में यह श्वास अंदर गया, इसने अंदर जाते ही भोजन के द्वारा जो रक्त मज्जा फ्लैश फैट सब बना है बोन तक जाकर के इमीडिएटली एक सांस में आरबीसी बना रहे हैं, एक सांस में 15 लाख रेड ब्लड सेल जिनमें हीमोग्लोबिन है, जिसमें आयरन है, जो धरती पे जीवन प्राण वायु को शक्ति देकर हमारे शरीर में एनर्जी प्रवाहित करता है। एक बार में, एक क्षण में, एक सेकंड में 15 लाख सेल बन रहे हैं और मर रहे हैं। आपके 15 लाख सेल बन रहे हैं, 15 मर रहे हैं, आप युवा हैं। आपके 14 लाख सेल बन रहे हैं, 15 मर रहे हैं, आप वृद्ध होना शुरू हो गए। आप लगातार जीवन ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप बूढ़े होके दिखाओ, कहेंगे बुड्ढा भी ऐसा टच नहीं है यार, मजा आ गया देख। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। हाँ जी, इन्होंने पूछा एंड स्टेज कैंसर को भी बॉडी ठीक कर सकती है। एक चमत्कारिक वीडियो है एक लेडी का, उसका नाम है अनीता मूरजानी, शी इज इन अमेरिका। वो एंड स्टेज कैंसर के बाद मृत्यु टेबल पे पड़ी हुई, 2.5 किलो कैंसर एक क्षण में गायब हो गया था उसका, वो चमत्कार है अपने आप में धरती पर। ऐसा एक केस है, ये ऐसे हजारों लाखों केसेस। आपने बताया कि फ्री विल रहती है हमारे, और इसी तरह हमारे कई कई पूर्वजों के संस्कार भी रहते हैं, और फ्री विल भी रहती है, संस्कार भी रहते हैं, तो फिर जो भाग्य फिक्स है वो होना है। हम फ्री विल से चूज तो कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स होना है वो तो होना ही है। फिक्स होना तो होना ही है, उसका इम्पैक्ट तलवार की सुई बन जाएगा हमारी विल से। और ये फ्री विल का तो पूरा 2 घंटे का टॉपिक है, फ्री विल भी एक नौटंकी है, ये भी बहुत बड़ी नौटंकी है, इसका भी क्या बताऊं। सारा खेल है कि आप कौन सी मंजिल से काम कर रहे हैं, कौन सा संस्कार एक्टिव होना है, हम ये हमारी चॉइस है। आपका मान लेते हैं कल तक एक संस्कार था कि ये काम नहीं होना चाहिए भाई, ये अच्छी बात नहीं। आज शाम तक ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपने कहा यार वैसे तो मैं बेफाल तो सोचता हूँ यार, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, और कल से आपने छोड़ दिया। आपका संस्कार वही है, सोच वही है, आप बदले हो, यह आपने अपनी मानसिकता से चेंज किया है। भाग्य में तो यह है ही, आपने चूज किया है, आपने चूज किया है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं कोई भी चीज कभी भी चूज कर सकते हैं। आप जैसे 10 साल पहले थे जरूर नहीं बाद में होंगे। मैं खुद बड़ी भक्ति भावनाओं में लगा रहता था पहले, घंटी मैंने तो बहुत बजाई है, फिर मुझे समझ आया टंटन ही होता है, इससे होता तो कुछ है नहीं। मेरे दिमाग में आया इतने साल हो गए घंटी बजाते, ये भगवान बहरा है क्या, सुनता क्यों नहीं। फिर मैंने जाना भगवान बहरा तो हो नहीं सकता, सुनता तो वह है, तो फिर घंटी बजाने से ऐसा तो नहीं कर रहा कि जो बोल रहा हूँ वही इसी को पीट रहा है, क्योंकि वही पिटाई हो रही है जो मैं बार बार बोलता हूँ। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, वीड किल्स कैंसर सेल, शिव जी की बात हो रही है, इसलिए हम नशे की बात करेंगे अच्छे से। वीड नशे की बात बताई इन्होंने, मैरिजुआना, जो वीड लेते हैं उससे जो 1000 सेल है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हमें लड़ना है, वो हजार के हजार थोड़ी देर टन नशे में मस्ती में नाचते हैं, और उसी दौरान मैत्री होने की पूरी संभावना होती है। So, उसी टाइम बॉडी नए बना लेती है।
दुश्मन भी तो पार्टीज में दोस्ती दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। बॉडी के पास सारा खेल क्या है, जब आप एक कोई दवाई लेते हैं, कोई भी नॉरफ्लॉक्स लेते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन लेते हैं, मान लो ये कॉम्बिफ्लेम कौन सी होती है बुखार वाली, सारी दवाइयों का नाम ले रही है, पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, पैरासीटामोल क्या करती है, आपकी बॉडी में 1000 सेल में से आपके 250 सेल जो है वो पीड़ित हो गए वायरस से। अब वो 250 सेल कह रहे हैं अब 251वां भी बनाना है, 300 बनाना है, 400 बनाना है, 500। अब वो जब 600 बना लेते हैं तो हमारी बॉडी में 400 रह जाते हैं बचाने वाले सोल्जर और बुखार हो जाता है, तपता है बॉडी। अब बॉडी के लिए जब क्रोसिन हम खाते हैं वो क्या करती है, उन 600 सेल को 601 नहीं बनने देती थोड़ी देर के लिए, 4 घंटे के अंदर वो 601 ना बन सके सिर्फ इतना करती है, उतनी देर में वो 400 सिपाही कहते हैं हम ही अपने 600 बना लें, वो 600 तो बना लेते हैं और उन 601 को पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से जब बुखार उठता है एक गोली और ठोक देते हैं, बार बार वो 250-300 में रुकते हैं, उसको धीरे धीरे इतना क्रश करते हैं कि बाद में हमारे ही सेल उसके 200-300 सेल को मार के खत्म कर देते हैं। बॉडी हील खुद को ही करती है, बॉडी को कोई हील नहीं कर सकता, बॉडी हमेशा खुद को हील करेगी। आप अपने जीवन को स्वयं हील करेंगे, आपको इमोशनल अपनी एनर्जी को उस मोशन में जिसमें स्ट्रेस है जाने ही नहीं देना है, आपको फ्यूचर ब्रेन में लेके जाना ही नहीं है, मेलाटोनिन जम के सेक्रेट कराना है। आप रात 2 बजे सोते हो, सो टन, सुबह 10 बजे उठते हो, मस्ती में उठो, कोई रोना पिटना नहीं है क्योंकि आप ही उठे हो। अगर 6 बजे उठते हो तो भी आप ही उठते हो, और 10 उठे हो तो भी आप ही, 10 बजे पाप नहीं उठाए, कहते ही तो बड़ा पाप है 10 बजे उठे हो तो, कोई बात नहीं, उठे तो आप ही हो, आप चेंज हो गए, 6 बजे वाले आप डिफरेंट थे, 10 बजे वाले आप डिफरेंट हो, पापी कहला गए, आपने कमांड्स दे दी, सत्यानाश हो गया लाइफ के अंदर, कबाड़ा आप स्वयं करने पे लगे। आपने स्वयं को कोसना पिटना, किसी को भी कोसना पिटना बंद करना है, जीवन में जो मिल रहा है आनंद लो। आप फूल पकड़ते हैं क्या मिलता है, कांटे साथ मिलते हैं, कांटे इग्नोर करते हो तभी तो फूल का मजा लेते हो, आप कांटे देखते रहो फूल का मजा भी नहीं आएगा, बिना कांटे के कुछ होता ही नहीं। आप बोलो मैं इससे असंतुष्ट हूं उससे असंतुष्ट हूं, वो आपकी इच्छाएं हैं, आपको जो चीज पसंद नहीं है यदि वो हो रही है वो असंतुष्टि है, व्हाट एल्स इज असंतुष्टि, दुख कुछ और होता ही नहीं। आपने अपने अंदर की ऊर्जा खो दी, अब तो मुझमें ताकत ही नहीं रही, ताकत क्यों नहीं रही, आपके अंदर ताकत इसलिए नहीं रही क्योंकि आप अपनी बॉडी में नहीं है, आपकी बॉडी यहां है, आप कहीं और है, आप कहां है फ्यूचर में, पुराने संस्कारों में लगे हुए। मामा जी कहा करते थे ये बात गंदी बात होती है, तो हो रही है लाइफ में कैसे होगा, पर मामा जी भगवान है, हम सब में ईश्वर का वो तत्व विद्यमान है, जब वो निकल जाएगा हम डेड बॉडी बन जाएंगे। तो आपके पास तो सिग्नल अपना है, आपका मोबाइल फोन है ये बॉडी, इसमें एक सिम कार्ड डला हुआ है टच, जब वो सिम कार्ड निकल गया मोबाइल फोन डेड है। वो सिम कार्ड किसका है, वो एक कंपनी का है, सेल्यूलर कंपनी का, जो एक टावर से कनेक्टेड है। अगर वो सिम कार्ड आप में नहीं है आपका फोन ऑफ हो जाएगा, वो सिम कार्ड ईश्वर का देन है, आपके पास वो उसकी इच्छा शक्ति है। आप मामा जी के सिम कार्ड में मत देखो दिमाग खपाओ, आप अपने सिम कार्ड पे ध्यान दो, आपका सिम कार्ड ना इमोशनल स्ट्रेस में होना चाहिए ना एंजाइटी में, सिग्नल मिलेगा ही नहीं, कॉल ही नहीं लगेगी ईश्वर से। अपने जीवन को खुश करने के लिए छोटे से 2-4 सूत्र चाहिए आपको। जीवन में हर दिन बकवास करनी जरूरी, क्योंकि कभी आप ऐसा कुछ करें जो पता ही नहीं। हमें मां बाप क्यों बुरे लगते हैं, दोस्त क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि मां बाप के पास जाओ उन्हें सब पता करना होता है, दोस्तों के पास जाओ उन्हें कुछ पता ही नहीं करना होता। फिर वो कहते हैं यार बच्चा हमारा बिगड़ गया, दोस्तों में घूमता रहता है आजकल, मां बाप के पास आता ही नहीं। पत्नियां कहती हैं आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में कैसे चल रहा है मुझे बताओ, वो कहते हैं बहन तुझे बता के होगा क्या, पर उसे पता करना, आपने पता नहीं करना है आप प्रेमी बन जाओगे मित्र बन जाओगे, आपने पता करना है जीवन नरक हो जाएगा। आज एक एक व्यक्ति मोबाइल फोन में लॉक लगाता है बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो हमारी ब्रेन है, वो एक्सटेंशन है ब्रेन की, और मोबाइल फोन ईश्वर की देन है, ये सदैव पवित्र रहने वाली आत्मा के समान है। भाई सच बात है, आप बाथरूम में हो और आप बात करते करते अपने गंदे हाथ वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, उतनी देर में आपने साबुन से हाथ धोए बड़ा शुद्ध किया बढ़िया सा किया, अब अचानक वहां पर कोई आपका एक कागज का टुकड़ा गिर गया, उसको अपने उठाकर पॉट में फेंक देना है, कूड़ेदान में फेंक देना है, अब मोबाइल गिर गया गलती से, आपने कह ला ये तो जगत की सबसे शुद्ध चीज है, आपने उठाना उसे कपड़े से पोंछना उसी रुमाल से जिससे मुंह पोंछते हैं, पोंछ पाछ के उसको रख देना, थोड़ी धूप लगा देनी है, ज्यादा ना लगाए खराब हो जाए, वो शुद्ध ही रहेगा। हमारी कैसी सोच है भाई, चाय में मक्खी गिर गई चाय फेंक दो, और घी में गिर गई तो मक्खी फेंक दो।
हम अपनी मर्जी, हम इतने चालू चालाक हैं अपनी मर्जी से शुद्धता का आयाम लेते हैं। कैसे शुद्धता? शुद्धता एक एक दवाई के अंदर नशा है, खांसी की हर दवाई में शराब है, हर दवाई में पीते ही नींद आती है, मेलाटोनिन बन जाता है ब्रेन के अंदर, मेलाटोनिन बनते है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर मीन्स एंटी बीमारी, इमीजिएट आप ठीक होते हो। हम वही पी रहे हैं, होम्योपैथी की हर दवाई के अंदर शराब है। कौन सी दवाई नहीं है जिसमें नशा हो? स्टेरॉइड्स है, वो जहर है। लाइफ सेविंग ड्रग पे जब किसी इंसान को डालते हैं, भयंकर लिवर पेशेंट, बड़े बड़े मरने को तैयार जितने आईसीयू के पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट है, स्टेरॉइड लेते हैं। और वो क्या है? वो शराब सिगरेट से तक खतरनाक जहर है, वही अमृत बन जाता है। सारा खेल हमारे माइंड सेट का है। हमने शुद्धि शुद्धि अपने दिमाग से बना रखी है, ये गंदी बात, वो अच्छी बात, लेकिन क्योंकि घी शुद्ध है। इसी तरह हमारा ब्रेन, हम शुशुपट्टी करने जाते तो भी तो साथ ले जाते हैं, शुद्धि तो है जन्म जा, ये कौन सा शुद्ध होता है? हम क्या सर धोते हैं, हाथ धोते हैं वहां जाके? इसलिए मोबाइल फोन क्यों धोए? इसीलिए मोबाइल फोन में लॉक चाहिए, क्योंकि हम अपने मानसिकता में इतना कुछ कीचड़ लगाए बैठे हैं जो संसार स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पापा कहेंगे, मम्मी कहेंगे, लेकिन बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद तो थी नहीं, अरे बेटा तुमने ये क्यों कर दिया? हस्बैंड वाइफ लॉक लगाते इसलिए कि कौन अपने सीक्रेट्स बताए। आज बच्चा बच्चा सीक्रेट करता है अपना जीवन, क्योंकि माता पिता खुलकर जीने नहीं देना चाहते, इसलिए सीक्रेट चाहिए, पासवर्ड लगा रखे। और माँ बाप कहते हैं बता हमें, वो दुश्मन हो गए। जो मित्र कहता है छोड़ यार, वो दोस्त हो गए। हमें पता ही नहीं करना, एक्स्ट्रा पता करते ही हमारे दिमाग के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम हिल जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से चलता है, आधा ग्राम का होता है, मटर के दाने जितना। ये उस सिस्टम से चलता है जैसा स्वादिष्ठाना से कमांड मिलती है, ऐसे ऐसे करना है, बॉडी फिट चलती है। जब उसको स्वादिष्ठाना कमांड देता है ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए लाइफ में, जैसे जैसे जब जब वो होने लग जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होता है और वो एंडोक्राइन सिस्टम को बोलता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। उसी टाइम बॉडी के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, सारे सिस्टम उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और बीमार। एक तो जिंदगी बीमार, शरीर बीमार, दिमाग बीमार। क्या होता है? क्या होता है? नर्क हो जाता है। एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क। स्वर्ग क्या है? स्व स्वागत। नर्क क्या है? न, न का अर्क। अर्क क्या होता है? भूल। नो, लेकिन। जितने लेकिन लगा रखे हैं वो नर्क है जीवन के। आपको नर्क दिखा देंगे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। होना क्या नहीं चाहिए? हमारे हिसाब से तो हमारी नहीं चली जिंदगी, हम दूसरों को कमांड पे चले, हमारा भी नाश दूसरे का। देने वाले ने सांसें दी हैं, हमारी नहीं है। हम कब टपक जाएं इस क्षण उस क्षण कोई नहीं जानता। कब पेट खराब हो जाए, कब सिर में दर्द हो जाए, कब घाटा हो जाए बिजनेस में, कब फायदा हो जाए, वो कर रहा है, कर लेने दो। तुम क्या करो? बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, जब ईश्वर ने सारे ड्रामे नौटंकी करने तो हम क्या करें? जब कृष्ण ने ही युद्ध जिताना है तो अर्जुन क्या तेल लेने गया था वहां पे? अर्जुन को ऐसे ही वो बीच में फंदा लगा रहा था, चल लड़ लड़ लड़। अर्जुन ने कहा मेरे माथे में दर्द हो गया, कृष्ण बोले जा रहा मैं लड़ ही लेता हूं, नहीं तो पागल कर देगा ये। क्योंकि ईश्वर कार्य तुम्हारे साथ करता है। एक छोटा बेबी, बड़ा शौकीन पियानो बजाने का, नया नया स्कूल में एडमिशन लिया, नया नया थोड़ा बहुत खेला, नया नया थोड़ा बहुत खेला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख ली उसने। अब शहर में एक बड़ा पियानो वादक आया था, बहुत बड़ा, मतलब संसार का सबसे अभूतपूर्व, सबसे बड़ा, जिसने नई नई सिम्फनीज बनाई थी, नई नई धुनें बनाई थी। तो माँ ने कहा बेटा तू खुश हो जाएगा, उसे गुरु मानता मन में, चल बच्चे तुझे लेके चलते हैं। अब वो वहां कंसर्ट हॉल में पहुंचे, और जो कि भाई ये ठाठ लोग होते हैं, लेट ही आते हैं, तो लेट आए जी, वो 15-20 मिनट लेट कर दिया। इतनी देर में मम्मी को कोई सहेली मिल गई, उसने कहा ले बतियाने के लिए एक और सहेली, में बातें ना करूं इतनी देर। तो बातें करने लग गई उससे दूसरी रो में जाके, बच्चा इतनी देर में उठ खड़ा हुआ और भाग लिया इधर उधर। अंधेरा हो चुका था, अभी आने वाले पियानो वादक, अभी आने वाले, आने वाले। इतनी देर में स्टेज पे लाइट ऑन हुई, मम्मी फटाक से भाग के पहुंची, देखा बेटा गायब। अभी स्टेज पे लाइट ऑन ही हुई और पियानो बजना शुरू, बज रही है धुन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सबने देखा वो छोटा बेबी बैठा हुआ। अभी आयोजक उठने वाले थे कि पीछे से पियानो का जो पियानो वादक था, महान पियानो वादक, वो उठ करके आया और पीछे पीछे चुपचाप आके बच्चे के खड़ा हो गया, सबको उसने रोक दिया। अब बच्चा बजाया जा रहा, अपनी एक ही धुन पता, उसे एक ही धुन पता और उसे वही बजाया चले जा रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कभी गलत कभी सही। और पियानो वादक ने उस बच्चे की उंगलियों के साथ बाहर की ओर और उंगलियां रखी अपनी, और उस धुन में एक नई धुन मिला दी, और ऐसा सुंदर संगीत बैकग्राउंड बना डाला साथ साथ कि लोगों ने उसमें धुन तलाश ली और बोले कमाल कर दिया, बच्चे के धुन के साथ धुन मिला के क्या संगीत बना दिया।
और तालियां गड़गड़ा उठी पूरे हॉल के अंदर। उसने बच्चे को बजाने से रोका नहीं, बच्चे को लगा मेरे लिए बज रही है, वो बच्चे हम हैं और वो पियानो वादक ईश्वर है, हम गलत सही पियानो बजाते हैं, वो साथ आ जाता है और बजा बजा के हमारी धुन भी ठीक कर देता है। हम कोई लेकिन लगाने लग जाते हैं, रुक जाते हैं, वो भी रुक जाता है। वो कहता है बजा तो सही, कर तो सही, हिल तो सही, मुझे आने तो दे, मैं आ गया। हम कहते हैं लेकिन ना आए। कृष्ण से पूछा था उद्धव ने कि आपने क्यों नहीं आकर के पासे बदल डाले, बोले मैं क्या करूं। युधिष्ठिर ने स्पेशल मन में सोचा था कृष्ण को ना पता लग जाए हम खेल रहे हैं, बोले मैं तो प्रार्थना से बंधा हूं, मैं रुक गया बाहर खड़ा था, द्रौपदी तक ने नहीं मुझे बुलाया, आखिर तक अपने आप को बचाने में लगी रही, जब उसका बस न चला तब लास्ट चिल्लाई कान्हा मैं आ गया। ईश्वर हमारे साथ साथ पियानो बजाता है हमारे जीवन में। ये जो लेकिन करते ना, आ लेकिन कोई और ना बजाए, वो कहता ठीक है मैं तो प्रार्थना से बंधा हूं बच्चे में रुक गया, वो भी नहीं बजाता। हमारी लाइफ में कोई रुकावट लेकिन ना हो, वो स्वयं ठीक करता है, उसने सबका ठीक ही किया है, वो कुछ करता ही नहीं। और ये हम ही मूर्ख हैं जो सोचते हैं गंदी बात अच्छी बात। हम उन पौधों को खाते हैं सोचकर कि वो वेजिटेरियन है, जबकि वो भी पता नहीं कितने कीड़ों को खाते हैं। महंगा फल खरीद के लाइए, कीड़े वाले हिस्से को काट के फेंक देते हैं, बाकी खा लेते हैं। लेकिन अपनी सहूलियत से हमारे अच्छी बातें हैं, गंदी बातें हैं, संस्कार है। क्या है अच्छी गंदी? संस्कार, पापा मम्मी। उन पापा मम्मी को जिंदा जिंदा हमने एक धेले की अकल नहीं दी और कातरी समझी, मरने के बाद कहते पिताजी कहा करते थे। मरा हुआ हर इंसान अच्छा होता है, हर किस्म का मोबाइल पवित्र होता है, जिस चीज की हम कीमत कीमत मन में मान ले वही अच्छी होती है। और क्या, अपने जीवन को भरपूर जीना है। ईश्वर हर चीज रीग्रो करके देता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको खाली कर दिया संसार में जीवन ने, पुनः नई कोठियां बना ली। कैसे? वो जमीन से जुड़े रहे। ये आपकी जमीन है, पौधे जो होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं। ये जमीन से जुड़ा पौधा है, आपने इस पौधे को जो खिलाया इसके अंदर आपको यहां कीड़े मिलेंगे, हर पौधे के नीचे चीटियां फिटियां मिलेंगे, उनके शव भी यही होंगे। जब वो मर जाते हैं ना कीड़े, वो यही होते हैं और वो पेड़ की जड़ में घुस जाते हैं, आखिर में वहीं जाते हैं। सब मिट्टी माया बराबर हो जाती है, सारे वेजिटेरियंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब आंखों को दिखा वेजिटेरियन फूड है जी, हम ये खा रहे हैं। हमने क्या किया, यहां से हमने काट के इस फल को खा लिया, सब्जी खा ली, कोई घिया शिया तोड़ लिया। अब पौधा चूंकि जमीन से जुड़ा है, ये नया घिया उगा लेता है। अब मुर्गा है, दोबारा अंडे पैदा हो जाएंगे, अंडे खा लेते हैं, वो पाप नहीं है। मुर्गा है, दोबारा कैसे पैदा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, उसको काट के खाया, वो पाप लग पाप बन गया। क्योंकि मुर्गा जमीन से नहीं जुड़ा है। हम जमीन से नहीं जुड़े इसलिए हमारी आत्मा की कीमत ज्यादा है, इनकी कीमत कम है। कैसी सोच है, अपनी ही मर्जी से हमने बना रखा है सब, यही लेकिन बना रखे हैं, यही पाप है, यही पुण्य। कमाल की बात है, हमारे को नॉन वेज वेज पचाने के इंटेस्टाइन्स प्रकृति ने बना के दिए और हम अपनी शक्ल अकल में लगा के चलते हैं। गंदी बात अच्छी बात। नहीं, हमें नॉनवेज खाना चाहिए की बात नहीं हो रही, वो हम खा ही रहे हैं। हम इतने माइक्रोब सांस के थ्रू खा रहे हैं, इतना हमारे शरीर से स्किन झड़ रही है, वो हमारे अंदर ही जा रही है, हम खा रहे हैं ऑलरेडी। गरुड़ पुराण को हमारा मृत्यु के बाद कहा जाता है पढ़ा जाए, उसके बाद नर्क कैसे हैं क्या नहीं है पता लगता है। उसमें एक जीव होता है उद्भिज, अंडज पिंडज उद्भिज, अंडे से पैदा होने वाले अंडज, पिंड से पैदा होने वाले जो माँ के गर्भ से पिंडज, एक उद्भिज जिनको पैदा नहीं किया जाता। आप कूड़े को मिट्टी में दबा दें, आप कुछ टाइम बाद खोलेंगे वो फर्टिलाइजर बन चुकेगा, उसे किसने बनाया, वो है उद्भिज। दे आर दोज बैक्टीरियम्स जो ऑटोमेटिकली ही पैदा होते हैं चिज्जी में, इसका मतलब मरा हुआ कुछ नहीं है, वो कूड़े को वापस अमृत बना देते हैं। डायमंड कहां निकलता है, कोयले में, कोयला, डायमंड ब्लैक एंड व्हाइट, कोई सिर पैर है, यही है चमत्कार। प्रकृति में कोई है इंटेलिजेंस जो ये सब काम करती है और हम अपना चौधरी बने में लगे हुए हैं, यही तो दुख है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं, कोयला तो काला है लेकिन डायमंड से ना, डायमंड उससे ना निकले, अम्मा वहीं से निकलेगा, वो निकलेगा वहीं से, ये बेकार की बात है, ये बच्चा बड़ा नालायक है, तुम्हारे लिए नालायक है, पता नहीं क्या लायक हो, तुम उसकी कमांड्स मत खराब करो। संस्कार ब्रेन का सत्यानाश ना पीटो, उसमें लेकिन ना लगने दो, पियानो बजाने दो, ईश्वर के हाथ आएंगे और धुन बन जाएगी। आप जब जमीन से जुड़े हैं, प्लांट की तरह है, सूर्य का इंतजार करते हैं, भूमि से ग्राउंडेड नहीं हटते, आपके जीवन में प्रॉपर्टी छीन गई दोबारा आ जाएगी। आपका बिजनेस में एक टाइम खराब आ गया, लुट गया, फल चला गया, कुछ टाइम दो, सूर्य लेते रहो, सूर्य है यूनिवर्सल, सूर्य में लेकिन ना लगाओ, नहीं हमें नहीं चाहिए, विटामिन डी उड़ जाएगा।
आप जितना प्रकृति को कोसेंगे, जीवन को कोसेंगे, इमीडिएटली विटामिन डी कम होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां खराब होंगी, पहले आर्थराइटिस, फिर रूमेटिज्म, फिर ऑस्टियोपोरोसिस। जीवन में जो है सो है वही है, ठीक है। आपका जीवन मृत्यु तक शानदार चलेगा। मन की कल्पना से तो कुछ हुआ ही ना था, ना कभी हो सकता, किसी का ना हुआ, हम किस खेत की मूली। आपका खराब चलता बिजनेस पुनः एक दिन जन्म ले लेगा। आपको जमीन से जुड़े रहना है। जमीन से जुड़ा व्यक्ति क्या कहता है? जीवन है। जमीन से हटा आदमी क्या कहता है? मौत है। है क्या और? कुछ भी नहीं। उसका दोबारा मकान बिल्डिंग नहीं बनता। आपके घाटा हो गया 10 लाख रुपया, की होगी कोई बेवकूफी, गलत कमांड दी होगी, आपको पता ही नहीं अनजाने में। आपको पुनः 10 लाख चाहिए, फिर जमीन से जुड़ो। क्या जीवन है? ईश्वर देता है, देगा, पियानो बजाएगा। हम पियानो बजाना छोड़ देते हैं, माथा पीटना शुरू करते हैं, रोना पीटना शुरू करते हैं, कहते हैं नहीं यार अब क्या, अब तो तबाह हो गया यार। फिर हम क्या जोड़ते हैं? पाप किए होंगे कोई। अच्छा पाप नहीं दिखता, फिर कोई किया कौन सा था इस जन्म में? पिछले जन्म में किया होगा। आंसर तो लेना है, कोई ना कोई धोखाधड़ी दिमाग को करके देनी है। अल्टीमेट सच्चाई क्या है? ये फालतू के संस्कार से बाहर निकलो। यही शब्द हम चलते हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन फिर समझ क्या खाक आया? पहले एनालाइज करो आपको समझ आया है कि नहीं। और कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ो। जहां जहां आप सोचोगे कि इसे खुश कर दूं, उसे खुश कर दूं, अकेले मरना है। आपके साथ कोई भी रस्सा पट्टा बांध के नहीं मरेगा। और याद रखना, कोई किसी को प्यार नहीं करता, हम खुद को प्यार कर ले बहुत है, हम खुद से बड़े दुखी रहते हैं। दूसरे को खाक प्यार करेंगे? ये सब ढकोसला है, ये सब इल्यूजन है, ये बहाना है, सोच है मात्र। उस परम पिता को जानने के लिए घंटी बजाना बंद करो, उसको जानो, वो इससे कहीं ऊपर है। ये कमाल की इंटेलिजेंस है कोई, जो धरती पे सब कुछ चला रही है, जीवन चल रहा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये चमत्कार से कम ना समझो। कोई तो है, तभी तो लोग कहते हैं कोई तो है सृष्टि को चलाने वाला। अरे तो तुम्हें भी तो कोई है जो चला रहा है, वो तुम्हारे अंदर भी तो है, वो हर चीज में है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। हम लेकिन लगा लगा करके जो उसकी दी हुई शरीर है उसकी हीलिंग तक खराब कर देते हैं। तो जीवन जो हील होना चाहता है, स्वयं को ठीक करना चाहता है, उसका नाश भी तो हम ही पीटते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। जब भी मैं किसी को कहता हूं परेशानी है, मैं कहता हूं छोड़ दो। एक व्यक्ति बहुत बहुत दुखी, महर्षि रमन्ना भगवान कहते थे, भगवान रमन्ना कहते थे उनको, भगवान से कम ना थे वो, चमत्कारिक थे वो। उनके पास आया और बोला, भगवान मैंने संसार में बड़े बड़े पुण्य किए, बड़े पुण्य किए, बड़े पुण्य किए। बोले बेटा अच्छा किया पुण्य किए, तुम्हें बता कौन रहा ये? बोले मुझे पता। बोले फिर मैं भगवान दुखी बहुत हूं। बोले तो दुखी क्यों? बोले भगवान मुझसे पाप भी हुए। बोले ये तुम्हें कौन बता रहा? बोले ये भी मैं जानता हूं। बोले बेटा तब तुम ही खुद सारे पाप को नहीं जानते, तो मेरे पास क्यों आए? जी मैं दुखी हूं। बोले बेटा ये भी पता होना चाहिए क्यों हूं। तो बोले भगवान मैं पापों की वजह से दुखी हूं, क्योंकि ना मुझसे पाप हुए। बोले ठीक है बेटा, तो मेरे को पाप यहीं छोड़ जाओ, मेरे पास देके जाओ। बेटा मेरे पास यहाँ पाप छोड़ के जाओ, अभी यहीं त्याग दो सारे पाप, मैं तो आपके चरणों में आया हूं, तो चरणों में छोड़ जा। बोले मैं कैसे पाप दे सकता हूं अपने, मैं पुण्य तो दे सकता हूं, पाप नहीं दे सकता, ये तो पाप होगा। बोले बच्चे जब मेरे पास आया तो पाप और पुण्य संज्ञा से परे हो जा, तेरे को पाप भी देने पड़ेंगे और पुण्य भी देना पड़ेगा, दोनों देखेगा मेरे पास, जीरो होके जा। हम पाप तो छोड़ जाते हैं, मंदिर गए थे घंटी बजा ली, पाप तो गए खत्म, गंगा स्नान कर लिए पाप तो खत्म, मंदिर में फेरे लगा लिए, चलिए लगा लिए, पाप तो गए खत्म, पुण्य मेरे। यार क्या यार, जीरो पे आओ, हमें जीरो पर आना है। पुनः जमीन की पूरी गुड़ाई करनी पड़ती है, पूरी जमीन उघाड़नी पड़ती है, प्लस भी माइनस भी, फिर बीच पे पानी डाल के सूर्य के द्वारा जीवन आता है। हम जितने मंदिरों के बाहर खड़े हैं सारे पापी हैं, इतनी भीड़, किस पे टाइम है? गाड़ी उठाई मंदिर पहुंचे, लाइन में लगे, जय माता दी, जय पिता दी, घंटी बजा रहे हैं, थाली खरीद रहे हैं, किस पे टाइम है? डरे हुए के पास, सिर्फ डरे हुए के पास इतना टाइम है। जो डरता नहीं उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में नशे में इतना है। शिव ने किसकी पूजा कर ली, कृष्ण ने किसकी पूजा की, बुद्ध ने किसकी पूजा की? तो वो तो बड़े पापी थे, उन्होंने तो किसी भगवान की घंटी बजाई नहीं, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है, इसलिए वो स्पेशल पापी भी भगवान कहलाए। ये मूर्ख बुद्धि, ये संस्कार ब्रेन तोड़नी आवश्यक है। जी तो मन की शांति लेने तो गए हैं, या तो क्या हम ऐसा नहीं करने के वैसे, लेकिन मन की शांति ये लेकिन चला किए, ये है लेकिन की चला किए हो
हो सकता है। आप मंदिर कौन से मन की शांति लेने जा रहे हैं, डरे हुए मन की? वहां जाके आप कहते हैं अब भगवान के पास आ गए, बस चलान कट गया, टैक्स दे दिया, अब बल्ले बल्ले, अब नए पाप करने को फिर तैयार। कौन बनाता है मंदिर भाई? जिस पे फालतू कमाई है वही तो बनाएगा, हराम की कमाई वाले पे तो फालतू है। अरे नॉर्मल कमाई करने वाला मंदिर में कैसे मंदिर के लिए संगमरमर दे देगा? अपने घर में लगाएगा पहले संगमरमर, फिर मंदिर सोचेगा। जिसके घरों में संगमरमर की कमी नहीं वही तो मंदिर में देगा। या डरा हुआ, जो इतना डरा हुआ है कहता भगवान तू चलान काट ले। डरे हुए सारे डरे हुए, इतने तीर्थों पे भीड़ है, महाकुंभ में मरने जाते हैं। ये समझिए हमारा ब्रेन स्वादिष्ठाना की पावर कितनी पागलपन तक पहुंच जाती है। कहते भगवान के धाम पे मरेंगे, भगवान के हरिद्वार में ठेकेदार है, ठेका लेके बैठा है वो हर जगह। अपने आप यमराज को गले लगाने, इच्छा मृत्यु प्राप्त करके बैठे, मर जाएंगे। सर इसका मतलब जो धाम है, मंदिर है, ये सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो धाम बने हुए हैं ये ऐसे एरियाज पर हैं जिनके ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज अर्थ के ऊपर के नोडल पॉइंट्स हैं, कॉन्शियसनेस के जाल के पॉइंट्स धरती के ऊपर कई जगह हैं। इसकी स्टडी पेंसिल्वेनिया में यूएस में होती है, इसकी यूनिवर्सिटी है, और अमेरिका ने ऐसे ऐसे धरती के आइलैंड्स के ऊपर स्टेशन बना रखे हैं जहां कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं रहती, मिलिट्री स्टेशन, और वहां की कॉन्शियसनेस अमेरिका के कब्जे में, इसलिए हम अमेरिका के कब्जे में विश्व। अमेरिका के यहाँ यही शोध चल रहा है कि वो नोडल पॉइंट स्टडी करने हैं। ये नोडल पॉइंट्स हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए धरती के ऊपर के एरिया के ऊपर वहां पर उन्होंने तीर्थ बना दिया कि यहां बैठ के साधना करो, आपकी कॉन्शियसनेस स्पेस चक्र से कनेक्ट होगी विशुद्धि से। ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसमें बहुत पहले कई टॉपिक्स किए हैं, कई 3-4 साल पहले किए हमने। ये नोडल पॉइंट्स हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में है, टोटल साइंस है हमारे शास्त्र में। भगवान गया तेल लेने, है ही भगवान की चीज, जगह नहीं कोई। अहम ब्रह्मास्मि क्या है मतलब? शास्त्र ऋग्वेद कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म। तो पागल है वो ऋषि मुनि, फिर कहेगा राम और कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि एको हम, एक ही हर जगह एक ही है। ये हमारे शास्त्र तो कहते हैं, कौन कहता है, किस शास्त्र में लिखा है? घंटी बजाओ, गीता तक नहीं कहती। ये किसने बनाया? ये पंडित पुरोहितों ने बनाया। जब जीसस क्राइस्ट को मारा गया तो सिर्फ इसलिए मारा गया कि वहां का जो मंदिर का मेन मुख्य पुजारी था, लोगों ने धीरे धीरे उसके पास आना बंद कर दिया। बोले मंदिर जगह क्या करना है? जीसस कहते प्रेम है, ईश्वर हर जगह, प्रसन्नता से रहो। उसको आग लग गई, उसने कॉन्स्पिरेसी करा के लंबी चली जाएगी बात, जीसस क्राइस्ट को मरवा दिया और उसके बाद उसका पद भी चला गया। क्योंकि भटके हुए लोग, ज्ञान ना होना, मूर्ख तो चाहिए वोट देने के लिए, मंदिर कौन जाएगा? बेवकूफी तो जाएगा। जापान में कौन जाता है मंदिर? अमेरिका में कौन जाता है? फिर बातें बड़ी करते हैं हमें कनाडा जाके सेटल होना, अमेरिका सेटल होना, वहां तो कोई जाता नहीं। सारे साइंस की इंजीनियरिंग के सारे काम तो जर्मनी में होते हैं, उनके यहां कौन हनुमान जी बैठे हैं? हमारे हनुमान का सत्यानाश कर दिया, हनुमान इस दाभी चक्र, इसको समझेंगे सब अंदर है। दश अवतार हमारे शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर है, ये हमारे शरीर के जितने पॉइंट्स है वहीं पर तो सारे के सारे चक्र पे सारी शक्तियां बैठी हुई। 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कौन करता है? ब्रिटेन में कौन करता है? 24 घंटे दारू चलती है, अमेरिका में पीते हैं बियर है सुबह शाम, पानी से सस्ती है। ये सब बातें मजाक नहीं है, ये व्यसन नहीं है। व्यसन तो पानी पीना भी है, क्योंकि धरती के ऊपर गैर शराबी गैर सिगरेट खोर भी मरता है। कौन जीवित बचा? अभी ब्रिटेन के अंदर एक लेडी 102 साल की हुई है, उसका बर्थडे मनाया गया, उससे पूछा गया तुम क्या खाती पीती हो? बोले पानी के अलावा सब कुछ। उससे पूछा पानी कब पीती हो? बोले इतने बीमार कभी नहीं पड़ी। सच्चाई है? अरे दिस इज द ट्रूथ। यानी कि पानी और शराब का लिंक नहीं है, यहां का है। आवर डाइट इज 70% थॉट्स, द फीलिंग्स इन द एम्प्टी स्पेस इन द एटम। हमारे अंदर की जो खाली रिक्त स्थान है 99.99% उसमें फीलिंग्स चलती है। हम कौन से चक्र को ऑन किए बैठे वही हमारा जीवन है। हम सब निराशावादी फालतू के अंदर भगवान और ब्राह्मणों के चक्कर में, ब्राह्मण और पंडित अलग होता है। अपने मानसिकता के अंदर पागलपन नहीं छोड़ो, एंजॉय करने का कोई बहाना ना छोड़ो, छोटी छोटी ड्रीम्स बनाओ, पूरी हो जाए लुत्फ लो, जो ना पूरी हो सोचो ईश्वर की मर्जी, दफा करो। इस काम के लिए आता है ईश्वर का, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसका हार्ट अटैक नहीं होता फिर उससे। और हर हालत के अंदर जीवन में खाना पीना मस्ती मारना किसी भी एज तक चलाओ। हम लोग बूढ़े इसलिए नहीं होते कि हम बूढ़े होना चाहते हैं, हम वैसे भी होंगे। बूढ़े होने के लिए कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा।
रिपेंटेंस, रोने पिटने से कुछ नहीं हुआ कि रो रहे हैं पिट रहे हाय हाय बुढ़ापे में। पता है कौन बूढ़े होके हम क्या रोते हैं बुढ़ापे में? बुढ़ा ये रोता है यार ये नहीं किया। जवानी में क्या रोता जवान? हाय हाय ये क्यों कर दिया, चल गंगा स्नान करेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ा होके वो कहता है साला ये तो किया ही नहीं यार, ये भी तो करना था, रोके रखा क्योंकि लेकिन फंसा हुआ था। गंदी बात अच्छी बात में, अपने जीवन को आखिर तक आगे तक पूर्ण रूप से चलाने की बात हो रही है। शरीर ठीक रखना है कैंसर फ्री, दिमाग ठीक रखना है इमोशनल स्ट्रेस फ्री, मानसिक रूप से प्रेम और आनंद में प्रभु को जानना है जो हमारे अंदर विद्यमान है। बाहर की घंटियां कितने साल बजाओगे, कितना पैसा जमा करोगे? समय दो, स्वयं को समय दो। अपने लायक आई जाता है वो आई जाता है, कल वाला कल आएगा, परसों वाला कल आएगा। परसों के सांस अभी मत जमा करो, अभी के एंजॉयमेंट लो, मैं नहीं कह रहा लुटा दो। कल तो भगवान ने अगर आपको रुलाना है तो आपके पल्ले करोड़ों अरबों रुपया होगा, ऐसी बीमारी देगा उठा के, डॉक्टर कहेंगे टेक योर मनी बैक एंड गो टू हेल्प, आप मरोगे। उससे मत लड़ो, उससे प्रेम करो, झुक के रहो। आपने मूवी देखी होगी अवतार, उसमें एवा नाम का एक ट्री होता है, बड़ी सिंबॉलिक है, ये कॉन्शियसनेस से जुड़ी मूवीज है इसलिए इतनी प्रसिद्ध है। उसमें वो पेड़ जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि एलियन है या मेरी सभ्यता का है, अच्छा है डेविल है बुरा है सही है, वो बस प्रेम फैलाता है। और कब? जब उसके चरणों में झुक जाओ। आखिर में वो जैक सली उसका हीरो है, लंगड़ा होता है, वो उसको जीवन दे देता है। जैसे मैंने बताया यहां ईश्वर तरबूज घिया पपीता कट गया नया दे देता है। झुकना है, झुकना क्या है? कृष्ण ने आखिर में जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया कि सब कुछ मैं ही तो हूं, अर्जुन झुक गया चरणों में, बोले प्रभु खत्म खत्म, आई विल फॉलो, खत्म बात ही खत्म, बहस ही नहीं है कोई। गंदी बात अच्छी बात सही गलत, पिता मैं मेरी बहने भाई भतीजे चाचा भाऊ भाभी भाऊ कुछ सब समा, सब समाप्त, कुछ है ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर को जान लेने के पश्चात आपको कुछ इच्छा ही समाप्त हो जाती है, कोई लेकिन रह ही नहीं जाता। पाप और पुण्य गंदी बात अच्छी बात की संज्ञा ही उड़ जाती है। अभिमन्यु का बलिदान हुआ क्या कराया? एक्सेप्टेंस। अब तो फर्रे खत्म हो गए, अब ये मैंने एक्स्ट्रा बकवास कर दिया 15-20 मिनट, आपने बहुत सह लिया, बढ़ेंगे नहीं, टाइम तो ज्यादा हो गया। तो और एक्सरसाइज यही है कि एक्सरसाइज इसी को लेकर चले आप कि आप त्याग दें, जो रमन्ना महर्षि ने बताया था कि बेटा अपने पाप और पुण्य यहीं त्यागो। आपको जितनी चीजें हैं अपने स्वयं में त्याग देनी है, उन्हें यहां ही दफन ही करना है, ये भूमि पे जाएंगे। आपके जीवन के जो जो पौधे कट गए हैं वो सब पौधे पुनः आएंगे, आपको जमीन में गाड़ने। जमीन में गाड़ने का मतलब अगली बार संस्कार ब्रेन के नाम पर कोई भी चीज इफ एंड बट नहीं करेंगे। अगर ये हो जाता तो हम वो कर देते, अगर कैसे हो जाता होना ही नहीं था, और हो गए बेवकूफी तो एक्सेप्ट खत्म, हम थे बेवकूफ। इसकी डिटेल्ड है, फिर करेंगे लंबे टाइम, समय आएगा सब बताऊंगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं, बहुत समय दिया आपने, इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।